कह रहे हैं कि जा ही नहीं रहा है आवाज। दीपेंद्र लग रहा है जाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया है। हेलो गाइस, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? बच्चों पहले ये बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो सर, अभी आवाज क्लियर है? अभी ठीक है। ओके गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थोड़ा सा इशू हो गया था नेटवर्क से रिलेटेड। अभी अभी तो साउंड अच्छे से आ रही है आपको मेरी? ओके ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो अभी हम लोगों को फिर से डिस्कस करना पड़ेगा जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन की। ठीक है, कोई नहीं, नेटवर्क है ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है। ठीक है बच्चे, नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं है, वो तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो मैं फिर से वापस चल रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या अभी तक बताया आपको। अभी तक की क्लास में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्लांट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे बातचीत की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, बेसिकली इसमें हम लोगों ने फ्लावर के बारे में डिस्कशन किया, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एंड देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, देन फीमेल गैमेट। देन आफ्टर हम लोगों ने बातचीत की कि किस तरीके से जो प्लांट है उसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, देन आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हियर, वॉट इज डिबल फर्टिलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू नवाशीन, फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो आई एम आस्किंग अबाउट वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो गाइज टेल मी, वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? ओके, अभी सॉल्व हो गया, अभी आवाज मेरी अच्छे से जा रही है आप लोगों के पास, मैंने अभी चेक भी किया। ठीक है, रेगुलरली हम लोग चेक करते हैं। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग जो अभी देख रहे हैं, और हैप्पी डॉक्टर्स डे आप सभी को, मयंक आपको भी और सारे बच्चों को भी, सभी लोगों को। ठीक है, तो मुझे बता दो डबल फर्टिलाइजेशन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डुअल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डुअल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि डुअल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, डस्ट ग्रेन आता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, फिर चैलिजा और पोरोगैमी, चैल्सोगैमी और मीसोगैमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिस्कशन करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ चुके हैं। ओके चलो, तो कुछ क्विज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपना मेंटल लेवल, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टीक करते हैं, थोड़ा सा चेकअप करते हैं और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्वेश्चनिंग करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट रिप्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे क्लास में, जो कि टाइम खत्म हो गया था,
तो वो इस हम लोग का इंटरप्ट हो गया था, तो आज की क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सभी बच्चों ने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या होता है, ठीक है। तो अभी मुझे इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ, ये तो पहले भी किया हुआ है, मे बी आपको तो आंसर एग्जैक्टली पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस टॉपिक इज गैमेट। ठीक, बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, जल्दी से बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। टेल मी द आंसर गाइस, आई नो क्विजेज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को, इसीलिए मैं आपके लिए क्विज लेकर के आया हूं ताकि आप और ज्यादा एनर्जी के साथ इसको कर सके। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रूट स्टेम ऑफ स्प्रिंग लीफ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुड, ऑफ स्प्रिंग्स इन प्लांट, सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुड, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इज कॉल्ड, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दोनों हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इज द मॉडिफाइड शूट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी मॉडिफाइड शूट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ बेटा, देखिए कौन सही आंसर देता है, सबसे पहले आंसर कौन देता है, मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कमेंट में, सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? द राइट आंसर इज फ्लावर, we know that flower is the modified shoot, ठीक, modified shoot होता है ये, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया। नेक्स्ट, अ लॉन्ग नैरो स्टॉक कॉल्ड स्टेमन कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो स्टॉक इज कॉल्ड, which is basically bilobed in nature, so this is called क्या कहते हैं इसको, bilobed है, stalk से जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो stamen में होता है, जल्दी से बताइए वो कौन सा स्ट्रक्चर है, anther, the right answer is एंथर, ऐसा दिस इज ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर, सो दैट नेक्स्ट, द एंथर कंटेन्स पॉलन सैक that produces, anther consist pollen grain, pollen sacs that produces, pollen sac के अंदर क्या बन रहा है, देखिए आंसर कौन देता है,
वो अभी सबने आंसर दे दिया है, मयंक, परितुपे, सुगंधा, रवीश, अभिषेक, खुशी, लगातार ये बच्चे अपने आंसर्स दे रहे हैं, आस्था, दिव्यांश, है ना, ये सारे बच्चे बिल्कुल मेहनत के साथ लगातार लगे हुए हैं, कुछ के चैट्स ऊपर भी जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ सबके चैट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चैट्स ऊपर हैं, नो साउंड, नो साउंड। बेटा उस टाइम पे ना मेरे हम लोगों के सिस्टम पे साउंड शो कर रहा था और आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा था, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी, हम लोगों की तरफ साउंड क्लियरली दिखाई दे रहा था कि साउंड जा रहा है। बता दो सही ऑप्शन क्या होगा इसका। सही ऑप्शन होगा पॉलेन ग्रेन, ठीक, बिकॉज द एंथर कंटेन्स पॉलन सैक दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। वी नो दैट वेन वी ऑब्जर्व दिस एंथर दिस सेक्शन, देन दिस सेक्शंस कंसिस्ट स्मॉल स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड पॉलन सैक एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाउ कैन प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली नेचुरली, हाउ कैन प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली नेचुरली, इसका आंसर दीजिए। असेक्सुअली भी है और नेचुरली भी है। बताओ बेटा जल्दी से, असेक्सुअली एंड नेचुरली। सो प्लांट प्रोड्यूस असेक्सुअली एंड नेचुरली बाय यूजिंग पॉलन ग्रेन्स और कटिंग्स ऑन रनर्स। तो बच्चों आपको ये क्विज तो पसंद आ रही है ना, सभी लोगों को मजा आता है ना क्विज में, अगर आता है तो फटाक से पहले यस सर लिखें क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ये जो क्विज होते हैं ये सब चीज़ें आपको बहुत मजा आता है, आपको अच्छा भी लगता है क्योंकि आपके नॉलेज का अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसका अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो जब सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो फटाक से पहले वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए क्योंकि लाइक ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है कि हाँ हम लोगों को और भी इस तरीके की मेहनत करनी चाहिए। और आप लोगों को पढ़ा के भी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरीके से और आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस और नई चीज़ों को इनलेट करना है, ठीक है। तो फटाक से पता चल जाता है ना बच्चों को पढ़ाने से कि कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चंस कराने में क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो टीचर को भी मज़ा आता है। तो बच्चों फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों के ऊपर भी हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारे बच्चे चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, है ना, लाइक से ही एनर्जी मिलती है। सबको पता है कि यूट्यूब पे बेसिकली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्चुअल है सब कुछ, है ना, तो यही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सभी बच्चों ने कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी बच्चों को, और बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कह रहा है कि हाउ कैन प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली नेचुरली। देखो इसमें दो चीजें हैं बच्चे, एक तो इसमें कह रहा है कि असेक्सुअली, तो असेक्सुअली देखें तो असेक्सुअली तो कटिंग भी है, रनर भी है, पॉलन नहीं हो सकता क्योंकि पॉलन ग्रेन कब बनता है, सेक्सुअली में बनता है, पॉलन ग्रेन्स इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों हो सकता है, हो सकता है कुछ बच्चे कटिंग भी सोच रहे हो, तो मैं उनको समझा देता हूं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है नेचुरली, और कटिंग नेचुरल नहीं है बेटा। कटिंग में क्या करता हूँ, हम लोग एक प्लांट लेते हैं उसको काटते हैं, जैसे गुलाब है या गुड़हल है या हेबिस्कस है, रोज है, देन वी कैन कट दोज प्लांट्स। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आर द मैनर्स ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, सो दैट इट इज द आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट नेचुरल सिस्टम। सो द रनर्स, यू कैन सी अ लॉट ऑफ रनर्स हैव सो मेनी नोड्स सो दैट दे कैन
maintain their asexual reproduction and they can form a lot of new baby plants. So that runners, the right answer is runner. Take? Okay. Good. Good. जो भी बच्चों ने बताया बहुत सही, आस्था, मयंक, परी, खुशी, ठीक है, ये सभी बच्चों ने बता दिया, अभिषेक, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं बच्चे. नेक्स्ट, वेयर द मेल गैमिट्स प्रोड्यूसर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर द मेल गैमिट प्रोड्यूसर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हियर इज द ऑप्शन ए बी सी, विच इज द राइट आंसर. मेल गैमिट, मेल गैमिट कहां बनते हैं? एंथम में, टेस्टिस में, ओवरीज में. गाइस, मेल गैमिट कहां बनेंगे बच्चे? मेल गैमिट बनते हैं, द आंसर इज, मान लो कि टेस्टिस मान ले, तो टेस्टिस क्या होता है? ह्यूमन में होता है, तो ह्यूमन में तो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है. ओवरी भी किस में हो रही है? फीमेल में. और ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? मेल गैमिट, एंथर. ठीक है, इस तरीके से एंथर होगा. एंड व्हेन वी सी इनसाइड ऑफ द एंथर, हियर पॉलन सैक, एंड पॉलन सैक फॉर्म पॉलन ग्रेन, ओके, विच इज कॉल्ड मेल गैमिट. ओके, तो सभी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरीज इन अ फ्लावरिंग प्लांट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरीज इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में ओवरीज का फंक्शन क्या है? जल्दी से बताइए बेटा. फीमेल गैमेट प्रोडक्शन, मेल गैमेट प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन ऑफ बोथ. गुड, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. खुशी, अभिषेक, मयंक, नीतीश, रवि, आस्था, खुशी, परी, अभिषेक, सुगंधा, नीतीश, रवीश, ये सारे बच्चे बहुत सही से आंसर देते जा रहे हैं. जिन बच्चों का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं वो परेशान ना हो. द राइट आंसर इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ओवरीज इन अ फ्लावरिंग प्लांट, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स, टू प्रोड्यूस मेल गैमिट्स, एंड टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट्स. ओवरीज पूछ रहा है, तो ओवरी क्या है? फीमेल. तो ओवरी में क्या बनता है? ओनली फीमेल गैमिट. द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए. ठीक, ओके, चलिए. अच्छा, सभी लोगों को क्विज में मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है. ठीक, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, गुड. आप सभी ने लाइक भी कर दिया, जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे. और जबकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है, फिर भी कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने डिसलाइक कर दिया? तो गलत बात है. और पता नहीं बच्चे ने किया कि किसने किया, कोई नहीं, आगे चलते हैं. हम लोग तरह तरह के संसार में लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही. चलो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन? अरे कुछ लोगों को डिसलाइक से भी एनर्जी मिलती है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों को हर चीज से एनर्जी मिल जाती है. तो व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन. चलिए, पॉलिनेशन बताइए बेटा जल्दी से, व्हाट इज पॉलिनेशन. The transfer of pollen from stigma to anther, the transfer of pollen from stigma to ovary, the transfer of pollen from anther to stigma. What is pollination? The transfer of pollen from stigma to anther or another thing. So, what will be the answer? Let us observe.
स्टिग्मा टू एंथर हियर, स्टिग्मा टू ओवरी इज हियर एंड एंथर टू स्टिग्मा. व्हाट इज द डेफिनेशन? एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द आंसर. सो लेट अस सी. स्टिग्मा टू एंथर, दिस इज रॉन्ग. स्टिग्मा टू ओवरी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंथर टू स्टिग्मा हियर, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द राइट आंसर. वी नो दैट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, दिस इज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ओके, तो बच्चों आप लोग खूब अच्छे से लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं, मजा भी आता है. तो एंथर और स्टिग्मा से, ठीक है. देखिए कितने बच्चों का सही हुआ भाई. वाह भाई, सारे बच्चे ही सही बता दे रहे हैं, कोई गलत बता ही नहीं रहा है ना. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नितीश, अभिषेक, मयंक, सुगंधा, खुशी, मयंक, आस्था, परी, अभी इन्हीं बच्चों की चैट्स मेरे तक आई है, और भी बच्चों की आ रही है. रवीश की भी आ गई, ठीक है. अभिषेक जायसवाल की भी आ गई, और जिसकी आ रही है फिर जैसे ही आता है फिर उनके बारे में भी बोलते हैं हम अभी. ठीक है गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया. तो यहां तक तो मजा आ गया, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट? गाइज थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें. विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट? फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताना है. द स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा? द स्टेमन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कंप्रेसेस द फिलामेंट एंड एंथर. द स्टेमन इज द मेल पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर, एंड द कार्पेल इज द फीमेल पार्ट, ओवरी एंड फिलामेंट. विच इज द राइट आंसर? गुड. द राइट आंसर इज देखो, स्टेमन फीमेल पार्ट बोल रहा है, शुरू में ही गलत. कार्पेल फीमेल है, सही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? ओवरी एंड फिलामेंट, फिलामेंट तो नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत. सही ऑप्शन क्या होगा? ये मेल पार्ट है, पहला बात भी सही. फिलामेंट एंड एंथर, ये भी सही है. तो सही ऑप्शन क्या हो गया बेटे? सेकेंड ऑप्शन सही हो गया. कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन, दिस. ठीक है, तो नोट कर लो. नेक्स्ट चलो अगले स्टेटमेंट पे. विच स्टेटमेंट अबाउट विंड पॉलिनेशन प्लांट इज करेक्ट? देयर स्टेमेंस एंड स्टिग्मास आर इनसाइड द फ्लावर. विंड पॉलिनेशन, ध्यान से देखो, बताओ कौन सा सही है, जल्दी से बता दो बेटे सभी लोग. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द स्टेमेंस एंड स्टिग्मास आर इनसाइड द फ्लावर एंड कंपेयर टू इनसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट. द स्टेमेंस एंड स्टिग्मास आर आउटसाइड ऑफ द फ्लावर एंड कंपेयर टू द इनसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट. एंड द स्टेमेन एंड स्टिग्मास आउटसाइड ऑफ द फ्लावर कंपेयर टू द इनसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, दे हैव लार्ज पेटल्स. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, जल्दी से बता दो. विंड पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर की प्रॉपर्टी क्या होती है, याद है? बाहर निकला होना चाहिए, हवा में आसानी से मिल जाना चाहिए, सब पढ़े थे हम लोग. कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? द राइट ऑप्शन इज बी. क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि स्टिग्मा स्टाई इनसाइड रहेगा तो हवा से कांटेक्ट कैसे करेगा, तो ये तो सीधा सीधा गलत है. लास्ट वाले में कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ द फ्लावर, ये पहली लाइन तो सही है, बट बोल रहा है कि दे हैव लार्ज पेटल्स, अगर लार्ज पेटल्स होंगे तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, कलर होगा, और विंड पॉलिनेशन डोंट नीड कलर. सो स्टेमेंस एंड स्टिग्मा आर आउटसाइड, है ना, एंड दे हैव स्मॉल पेटल्स. सो जिनका भी बी ऑप्शन है वो लोग बिल्कुल सही है. ठीक, बहुत बढ़िया भाई सबने तो. ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलें. नेक्स्ट
हाउ आर पॉलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स एडाप्टेड टू ट्रांसफर? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, इनमें से कोई एक कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन क्या है? वैसे तो सारे बच्चे सही बता रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी है तो वो मेरे से पूछ ले, सीखे और समझे, ठीक। और वीडियोस को लाइक जरूर करें, कभी भी गलत भावना में वीडियोस को डिसलाइक नहीं करना चाहिए, है ना, हमेशा भावना अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा दे आर स्टिकी एंड स्पाइकी। स्टिकी इसलिए कि ताकि वो इजिली इंसेक्ट में चिपक जाए, स्पाइकी इसलिए कि उनके छोटे छोटे हेयर्स में वो फंस जाते हैं, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाएंगे, तो दे सो दैट दे कैन इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। What happens to the female part, the flower after fertilization? ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, चलिए जल्दी से बताइए। What happens to the female parts, the flower after fertilization? Fertilization के बाद female part में क्या होता है? Ovules become seeds, ovule becomes fruit, ovule becomes seed. सही option क्या है? अगर हमें लगता है कि पहला ऑप्शन सही है तो हम गलत हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ओव्यूल बिकम सीड ऐसा बोल रहा है। अच्छा, हमें लगता है कि दूसरा ऑप्शन सही है तो कह रहा है ओव्यूल बिकम फ्रूट, और तीसरा ऑप्शन भी लगता है कि सही, ओव्यूल बिकम सीड। अब देखो इसमें होता क्या है, ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड, यही ना होता है? तो ओव्यूल से सीड ये भी बोल रहा है, ओव्यूल से सीड ये भी बोल रहा है, बीच वाला बोल रहा है ओव्यूल से फ्रूट, तो पहले तो ये गलत है, हटाओ, 50-50 हो गया अपने पास। अब पहले स्टेटमेंट में कह रहा है ओव्यूल बिकम सीड, सही है, एंड रेस्ट बिकम फ्रूट, एंड रेस्ट बिकम्स फूड स्टोर, क्या होगा? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टिग्मा स्टाइल ड्राई आउट हो जाते हैं, ध्यान से देखना, और इसमें जो ओव्यूल है ये सीधे बदल जाता है सीड में, और बाकी का जो पार्ट है वो क्या बन जाता है? फ्रूट, विच कंसिस्ट अ लॉट ऑफ फ्रक्टोज। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। व्हाट कंडीशंस डू सीड नीड टू जर्मिनेट? सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन से कंडीशन चाहिए, जल्दी से बताइए। 1, 2, 3 ऑप्शन है, ये तो शायद बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी देखें कौन इसका सही आंसर देता है। ये देखो, 1-2 बच्चों का गलत हो सकता है, कोई बात नहीं है बेटे, हम लोग ऐसा नहीं कि 100 में से 100 ही क्वेश्चन सही कर ले, होना चाहिए, बट कहीं कहीं अगर गलत भी हो जाए तो घबराना नहीं है, डीमोरलाइज नहीं होना है, है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाटर ऑक्सीजन एंड वाटर ऑक्सीजन, विच इज राइट? द आंसर इज सी, वेरी गुड। वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्लांट। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, हाउ जर्मिनेटिंग सीड्स गेट्स द फूड? जर्मिनेटिंग सीड्स को फूड कहां से मिलता है? आपको सीड पढ़ाया था तो याद होगा, कहां से मिलता है? सॉइल से, फोटोसिंथेसिस से, या स्टोर्ड मटेरियल से? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन फूड स्टोर। सही ऑप्शन क्या होगा? फूड स्टोर, ठीक।
तो प्लांट अपने फूड स्टोर से सीड्स जो है वो एनर्जी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर पॉलिंग ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय? पॉलिंग ग्रेन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई? व्हाट आर पॉलिंग ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय? पॉलिंग ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंथेरिस्टिग्मा पेटल्स फिलामेंट। सिंपल, द आंसर इज फिलामेंट पेटल्स स्टिग्मा एंथर। द राइट आंसर इज एंथर सर, वी नो दैट एंथर कंसिस्ट पॉलिंग ग्रेन्स। ओके सो गाइज, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, बट आज का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में ये क्विज करके और सारी चीज़ों को रिवाइज करके आपको मज़ा आया होगा, खास करके क्विज करके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप सबको मज़ा आ गया, अच्छा लग गया, तो फटाक से यस सर लिख दें। आगे की क्लास में ऐसे ही और भी क्विज लाने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और भी ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग जिस भी ध्येय से इसको डिसलाइक करते हैं, जो कि क्वेश्चंस में सारे बच्चे बोलते हैं कि मज़ा आता है, तो जो भी ऐसे लोग जो वीडियोस को डिसलाइक करते हैं वो सीखने और समझने की कोशिश करें और चीज़ों को अच्छे से सीखें। कोई भी बात हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम लोग सबकी बातों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन संकल्प में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग खुशी, रवीश कुमार। अगर आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है बेटा तो जल्दी से बताएं कि आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। परी दुबे, नीतीश चौरसिया, अभिषेक जायसवाल, मयंक, सभी को गुड इवनिंग।
कल हम एक सवाल दिए थे आप लोगों को, दो प्रॉब्लम दिए थे करने के लिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे करके आए होंगे। तो बच्चों हमें उसके लिए ई सेल बता दें क्या होगा। कल जो हमने प्रॉब्लम दिए थे आप सभी को, शायद पहला प्रॉब्लम यही था, हमें एग्जैक्टली तो याद नहीं है, फिर भी देख लें। हमने ये प्लेटिनम सॉलिड लिए थे, यहाँ थे हमारे लिए बच्चों हाइड्रोजन गैस, फिर बना था ये एच प्लस एक्वस, फिर हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिए थे, उसके बाद भी थे एच प्लस एक्वस हाइड्रोजन गैस और देन प्लेटिनम सॉलिड। यहाँ जो प्रेशर था बच्चों 1 bar था, ये जो कंसंट्रेशन था 10^-4 मोलर था, यहाँ जो कंसंट्रेशन था वो था 10^-1 मोलर, और जो प्रेशर था 1 bar था। इसी सेल के लिए बच्चों हमें ई सेल बताना था, ईएमएफ ऑफ द सेल बताना था। तो जल्दी से चैट में आप सभी बताएं कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया था, हम भी देखें। यही था ना सवाल, अगर आप तो चलो जो लोग किए हैं जल्दी से हमें चैट में आंसर बता दें, बाकी लोग जो उनको नहीं समझ में आया था वो देख लें। देखो बेटा, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज हमारे लिए जो होते हैं ये इस वाले पोर्शन को हम लोग एनोड कहते हैं, और जो डबल वर्टिकल लाइन के बाद लिखे होते हैं उन्हें हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? कैथोड कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिख सकते हो एनोड, एनोड पर रिएक्शन क्या होंगी। अगर एनोड की रिएक्शन की बात करें तो देखो होगा क्या कि जो ये हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 2H+ एक्वस में बच्चों, और साथ में रिलीज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यही रिलीज करेंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करती है तो हमने बताया था ना कि उसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे जो ई नॉट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसकी भी वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए? 0.0 वोल्ट। दूसरा कैथोड की बात करते हैं बच्चों, कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पर देखो रिडक्शन होगा, 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे बच्चों हाइड्रोजन गैस। अच्छा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है या फिर कैथोड की तरह काम करता है तो हर केस में उसका जो ईएमएफ होता है, यही कह लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बच्चों, क्लियर, यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारे लिए 0 वोल्ट होता है। तो ये तो एनोड पे होने वाली हाफ सेल रिएक्शन है, ये कैथोड पर होने वाली हाफ सेल रिएक्शन है। नेट में देखो सेल की रिएक्शन क्या है, सेल की रिएक्शन हो जाएगी हमारे लिए स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस प्लस 2H+ एक्वस एरो, ये हाइड्रोजन गैस प्लस 2H+ एक्वस। अच्छा कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहे होंगे, सर हम चाहें तो दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस है कैंसिल ना कर दें और दोनों तरफ 2H+ है उन्हें कैंसिल ना कर दें। तो देखो यार ये कैंसिल हम नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो ये है ये हमने एनोड पे लिए, लेकिन जो ये हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पर बन के आ रहा, हो सकता है कि दोनों के प्रेशर अलग अलग हों। तो जब दोनों के प्रेशर अलग होंगे तब तो नहीं कैंसिल कर पाओगे ना। उसी तरह देखो जो ये H+ है, अगर ध्यान से देखो तो इनके कंसंट्रेशन अलग है,
जो एच प्लस हमें एनोड पर मिल रहा उसका कंसंट्रेशन है 10^-1 मोलर, और जो हमें कैथोड पर मिल रहा बच्चों उसका कंसंट्रेशन है 10^-4 मोलर। तो कैंसल मत करना, ये कैंसल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए ई नॉट सेल निकालोगे, खुशी ने सही जवाब दिया है कि जब इसके लिए ई नॉट सेल निकालेंगे तो वो तो 0 वोल्ट हो जाएंगे। ई नॉट सेल होते क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल 0 हो गया। क्यू लिखो, तो क्यू कैसे लिखते हैं, क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट। क्यू हम कई बार बता चुके हैं पिछली क्लास में, और उसके भी पिछली क्लास में बताए थे। क्यू लिखने का तरीका होता है कि अगर प्रोडक्ट साइड में गैसेस हैं तो बच्चों उनके लिए प्रेशर लिखो, यहां हो जाएंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एच प्लस है वो सोल्यूशन के फॉर्म में है तो उसके लिए कंसेंट्रेशन होगा, उसकी पावर 2 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई, यहां एच प्लस है तो यहां भी लिख दो एच प्लस की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां अगर ध्यान से देखो बेटा तो गैस के जो प्रेशर है वो 1:1 bar है, दोनों जगह गैस के प्रेशर सेम है, तो ऊपर नीचे से pH2 कैंसल हो जाएंगे। लेकिन इन्हें मत कैंसल करना, जो ये एच प्लस स्क्वायर ऊपर लिखा और जो एच प्लस स्क्वायर हमने नीचे लिखे हैं, ध्यान से देखो दोनों के कंसेंट्रेशन अलग अलग हैं। तो जब कंसंट्रेशन अलग अलग है तो उन्हें हम क्या करेंगे, कैंसल नहीं करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन सेम होते तो मैथमेटिकली वो कैंसल हो जाते। वो मैथमेटिकली क्या होते, ऊपर नीचे से कैंसल हो जाते। अब देखो H प्लस, ये किसका H प्लस है, ये H प्लस देखो ये वाला यानी एनोड वाला है, तो H प्लस एनोड की वैल्यू कितनी है 10^-1, तो ये हो जाएंगे 10^-1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये H प्लस किसका है, कैथोड का है, तो ये हो जाएंगे 10^-4। देख लो कैथोड पे क्या है, 10^-4 की पावर 2। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हम लिख दे रहे हैं वैल्यू, अब बता दो हमने सही लिखा है बच्चों या गलत लिखा है, 10^6। जल्दी से बताना आस्था बेटा, जवाब सही है क्यों, तुमने सही लिखा आस्था। जल्दी से नोट करें और हमें बता दें हमने Q की वैल्यू सही लिखी है या गलत। चले आयुष उपाध्याय ने बताया हमने वैल्यू सही लिखी है, हमने सही ही लिखा है बेटा। अब अप्लाई कर दो नॉस्ट इक्वेशन, अब क्या करो, अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या हमने पढ़ाया था, ई सेल इज इक्वल टू हो जाते हैं बच्चों हमारे लिए ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q, Q की जगह क्या लिखेंगे 10^6 लिखेंगे। अच्छा पिछली क्लास में अगर जो बच्चे प्रेजेंट थे उन्हें हम बताए थे कि अगर टेम्परेचर कुछ भी ना मेंशन हो तो उस केस में जो ये वाली वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, बाकी सभी वैल्यू जब पुट करते हैं तो वो पूरा जो हमने मार्क किया है इसकी वैल्यू, याद करो पिछली क्लास में हम बताए थे, वो आता है 0.059 आया था ना, तो पुट कर दो। अच्छा अभी हमने बच्चों निकाले थे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 0, देख लो सामने ही लिखा है माइनस 0.059 by। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा, तो ये हो गए 2 log 10^6। अब जल्दी से सॉल्व करो, हम थोड़ा सा लॉग सॉल्व कर दे रहे हैं, लॉग में पढ़े होंगे कि अगर किसी नंबर की पावर होता है तो वो पावर क्या होता है, बाहर चला आता है लॉग के, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाते हैं माइनस 0.059 by 2 × 6। हमें जल्दी से सॉल्व करके बच्चों इसकी वैल्यू बता दो, हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने जवाब तो दिए हैं, अच्छा वो जवाब दूसरा था, आस्था ने एक जवाब दिया है 3 × 10^4 है आस्था। देखना जरा 3 × 10^4 है या कुछ और है,
प्लस फोर है, देख लो हमें थोड़ा डाउट लग रहा। कुछ बच्चों ने जवाब सही दिए, हेमलता नीतीश चौरसिया या अभिषेक जायसवाल, दोनों का जवाब एक ही आया और सही भी है। ठीक है, ये तो सॉल्व करना आसान है। देखो इसे करोगे तो बच्चों ये थ्री हो जाएंगे, तो थ्री नाइन जा 27 होता है आजकल, तो सेवन हो गए, टू बचे, थ्री फाइव जा 15 और टू 17, 1 2 3 पे डेसिमल है तो ये आ जाएंगे -0.177 वोल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, ई सेल तो निगेटिव आ गया। ई सेल निगेटिव आने का मतलब क्या है, कोई बताएगा हमें? क्या ये सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा या नहीं? रोहन सिंह, आस्था और मयंक सबके जवाब सही है, आस्था वो माइनस हो जाएगा, देख लेना बेटा। अब ये बता दो लोग, क्या ये सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ई सेल निगेटिव आ रहा। हमने स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बताई थी, अगर याद हो तो जल्दी से हमें बताओ लोग। अभिषेक ने जवाब दिया है यस, जो कि गलत है। जब ई सेल की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस काम नहीं करता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस का केस होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में वो गैल्वेनिक सेल ना होके वो काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। वो क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करते हैं, तो ये याद रखेंगे। सही है बेटा आयुष, जवाब सही दिए हो, रोहन का भी जवाब सही है। एक तो ये सवाल हम दिए थे कल, और एक और हम सवाल दिए थे करने के लिए होमवर्क के रूप में। सेकंड जो था वो था ये हमारे लिए, जिंक इलेक्ट्रोड से हमें बने थे, मिले थे, मतलब Zn+2 एक्वस, अगर हमें एग्जैक्टली याद हो तो हमने दिया था कंसंट्रेशन 10^-1 मोलर। फिर सॉल्ट ब्रिज था, ये था H+ एक्वस हाइड्रोजन गैस, साथ में बच्चों थे प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन शायद हमने 10^-2 मोलर दिया था, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमने 1 bar दिया था। साथ में एक इंफॉर्मेशन और हमें दे रखी थी, वो था E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हमारे लिए था 0.76 वोल्ट। अच्छा, ये जिंक के लिए था बच्चों, फॉर एनोड, हमने वहां जिंक और Zn+2 करके लिखा होगा। ठीक, ये भी आपके लिए होमवर्क के रूप में हमने दिया था, एक बार देख लें, क्लियर कर लें कि सवाल यही था ना बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़े। जो लोग कर सकते हैं या जिन्होंने घर से होमवर्क के रूप में इसे करके आए हैं वो जल्दी से हमें बता दें कि इसका आंसर क्या है। देखो तरीका वही है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो, सबसे आसान तरीका यही है बेटा, थोड़ा सा लेंदी तो हो जाता है लेकिन एकदम आसान है। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो जिंक सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 एक्वस में, और साथ में बच्चों ये रिलीज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बेटा E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और वो है हमारे लिए 0.76 वोल्ट।
कैथोड की बात करो तो बच्चों कैथोड पर रिडक्शन होते हैं, H प्लस का रिडक्शन होगा तो 2H प्लस एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये बना देंगे बच्चों हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए देखना होता है तो उसके लिए जीरो वैल्यू आती है, तो ये हो गए। अब इन दोनों को ऐड करो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे लिए जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव इज टू हाइड्रोजन गैस प्लस Zn प्लस 2 एक्वस, ये होंगे। अब देखो जब E नॉट सेल निकालने जाओगे तो E नॉट सेल के लिए दो फॉर्मूले बताए थे हम, एक तो होता है E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों और दूसरा होता है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, तो जब सॉल्व करेंगे देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो E नॉट सेल जो होगा वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा यानी 0.76 वोल्ट। यहां तक क्लियर है सभी को? अब क्यू हमें कोई लिख कर बता दे या सॉल्व करके बता दे कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आप सभी हमें सॉल्व करके बता दें। ऐसे सवाल एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं एक्सरसाइज में, इसलिए हम कुछ अच्छे सवाल आपको करा दे रहे हैं। सही है ई सेल नहीं बेटा अभिषेक जायसवाल, वो ई नॉट सेल आएगा 0.76 वोल्ट, देख लो ई नॉट सेल, ई सेल तो हमें निकालना है। देखो कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, क्यों लिखने जाओगे तो लिखोगे यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू डिवाइडेड बाई, अच्छा ये सॉलिड है तो इस सॉलिड के लिए एक्टिव मास वन हो जाएगा तो हम वन डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की पावर टू, वैल्यू पुट करो तो देखो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है वन, जिंक का कंसंट्रेशन कितना है Zn प्लस टू का 10 की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस टू की पावर टू हो जाएंगे, तो जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 10 की पावर थ्री, तो Q तुम्हें मिल गया, E नॉट सेल मिल गया। अब नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो तो E सेल इज इक्वल टू हो जाएंगे E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों Q, ये क्या हो जाएंगे लॉग Q हो जाएंगे। अब सब वैल्यू रख दो, E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाले थे 0.76 माइनस 0.06 मान लो इसे राउंड फिगर करके बाई, देखो इलेक्ट्रॉन के चेंजेस कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा तो हमने n की जगह 2 रख दिए, लॉग Q की जगह क्या हो जाएंगे बच्चों क्यू की जगह हो जाएंगे 10 की पावर 3 हो जाएंगे ना। अब जल्दी से सॉल्व करके बता दो जरा हमें ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, गलत मत बताना यार, 0.76 माइनस 0.03 इंटू 3, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। क्या 10 की पावर 3 लिखे हो अनुज गुप्ता? अच्छा Q की वैल्यू, शाबाश सही है आस्था खुशी, सबने जवाब सही दे दिए थे। अब शेख जायसवाल का जवाब आ रहा 0.89, अरे बेटा देख लो, आस्था का जवाब है 0.67।
आस्था का जवाब सही है। ये देखो ये 0.09 हो जाएंगे, तो जब 0.09 यहां से माइनस कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 0.69 वोल्ट। अच्छा, ई सेल अब की बार पॉजिटिव है, ई सेल पॉजिटिव होने का मतलब कि ये प्रोसेस हमारे लिए स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब जो हमने सेल बनाया है वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। तो रोशन, क्या नाम है, रोहन सिंह, इतना बड़ा जवाब कहां से आ गया बेटा, 1.38 वोल्ट। देख लो यार, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन गलती करोगे लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम पे कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, अगले पेज पर मूव कर रहे हैं। अगली जो हेडिंग है आज की क्लास की, पहली हेडिंग है, तो दो हमने होमवर्क वाले सवाल कराए आपको, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। अब एक चीज देखना, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों डेनियल सेल के लिए, फिर सब पे अप्लाई कर देंगे फॉर डेनियल सेल। तो याद करो डेनियल सेल में एनोड जिंक का था हमारे लिए स्टूडेंट, था ना, तो जिंक एनोड की तरह था तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये हो जाएंगे Zn प्लस टू एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अगर हम कैथोड पर अप्लाई कर दें बच्चों तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसे, कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे लिए कॉपर सॉलिड। ये अगर वो ये कह रहे हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो फिर हमें कुछ ये ऐसे लिखना होगा, देखो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस, अब ये देखो इक्विलिब्रियम साइन देना होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और ये हो गए हमारे लिए Zn प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, तो ये इक्विलिब्रियम पे आई हमारे लिए। ठीक, अब ये अगर इक्विलिब्रियम पे आई तो जनरली होता क्या है कि अगर हम चाहें, देखो एक तो तरीका था ई नॉट सेल निकालने का हमारे पास, कि हम ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड कर दें, ई नॉट कैथोड पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है बच्चों, और ई नॉट एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारे लिए काम हो जाएंगे। लेकिन एक और तरीका होता है जिससे हम चाहें तो किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बस करना क्या होता है कि उस सेल की रिएक्शन को तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचा दो। पढ़े होगे 11th में कि इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि जो ये माइनस एन एफ ई सेल है इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो नट सेल में मतलब ये निकल के आया कि ई सेल इक्वल टू जीरो हो गया। ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखो, जो Q होता है वो K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। Q क्या होता है, K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ये दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई इन नेक्स्ट इक्वेशन। तो पहले तो यही देख लें कि नेक्स्ट इक्वेशन है क्या, ठीक है ना, कई बार तो लिख चुके हैं फिर भी। तो नेक्स्ट इक्वेशन अभी हमने ये पढ़ा कि ई सेल इज इक्वल टू हो जाएंगे बच्चों ई नॉट सेल माइनस
2.303 आरटी बाई एनएफ। अब लॉग क्यू होता है, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल की वैल्यू जीरो, ऊपर से देख लो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ई नॉट सेल, यही तो हमें कैलकुलेट अब अक्सर यहां करना पड़ जाता है हमें, माइनस 2.303 आरटी बाई एनएफ, और ये हो जाते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम। अब क्या करो तुम, ये इधर जीरो है तो ई नॉट सेल को इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाते हैं बच्चों हमारे लिए ई नॉट सेल इक्वल टू, ये हो जाएंगे 2.303 आरटी बाई एनएफ लॉग के इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन को भी हम लोग नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो होती है ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बताती है, ई नॉट सेल बता रही ना, तो ये कहलाती है कि इक्विलिब्रियम पर किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो हमेशा इक्वल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर कुछ और अच्छी बातें इसमें हम बताते हैं, क्योंकि आप सभी ने यहां पे जो पढ़ा है वो पढ़ा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो वो भी देख लेते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है पल्लवी, दोबारा हम इतने साइड से नहीं लिखेंगे। आई होप हो गया होगा बच्चों का, थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्लाइड कर दे रहे हैं ताकि हम नीचे कुछ बता सकें। एक्चुअली करते क्या है, इसी नॉस्ट इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एट टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो आर की वैल्यू हम कल बताए ही थे बेटा कि 8.314 यूज करेंगे, फेराडे की वैल्यू सबको पता ही है, वो हो जाते हैं 96,500 कूलाम। तो याद करो कल हम इसकी वैल्यू बताए थे, या कहे थे जिन लोगों को डाउट होंगे वो एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, 2.303 आरटी बाई एफ की जो वैल्यू होती है वो सॉल्व करके आती है 0.0591, सॉल्व करके क्या आती है 0.0591। तो ये वैल्यू डायरेक्टली हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ये भी हमारे लिए क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने का तरीका है इक्विलिब्रियम पर। एक तो वो तरीका था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कर, तो तभी भी ई नॉट सेल मिल जा रहा था, और दूसरा हमारे पास ये तरीका, हम इन दोनों में से जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करें, ये फॉर्मूला मैक्सिमम बार यूज होगा आपके लिए। ठीक है, खुशी और पल्लवी ने नोट कर लिया है, बाकी बच्चे भी नोट कर लें जल्दी से। चलें इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग करते हैं,
जो कि एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम दे रखी है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। कौन सी सेल रिएक्शन है हमारे पास? जिंक सॉलिड Zn प्लस टू एक्वस सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस टू एक्वस कॉपर सॉलिड। क्या दे रखे हैं वो हमें गिवन के रूप में? देखो हमने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हमेशा देंगे, तो Zn प्लस टू के लिए वैल्यू बता रहे हैं कि वो 0.76 वोल्ट है और E नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर के लिए ये वैल्यू 0.34 वोल्ट। ये छोटा सा सवाल है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। हमने सवाल ही करा दिया है आस्था, देख लो। के इक्विलिब्रियम बताने के लिए कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। जिंक सॉलिड से Zn प्लस टू एक्वस सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस टू एक्वस से कॉपर सॉलिड है। अभी हमने फॉर्मूला भी बताया था, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी तुम चाहो तो यूज कर सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हो। तो देखो अब की बार तो हमें ई नॉट सेल वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, उसके लिए मतलब रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ई नॉट सेल तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। अब देखो कह रहे हैं के इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं ना, के इक्विलिब्रियम पूछने का मतलब ये है कि जो सेल की रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे। तो अब की बार जो तुम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे बच्चों, जो तुम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे वो नॉस्ट इक्वेशन अभी जो बताए हैं इसी फॉर्मेट की यूज करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमेशा इसी नॉस्ट इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये इक्वेशन अप्लाई करके तुम चाहो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है? उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, E नॉट सेल पता हो जाए, एन पता हो जाए, तुम्हारा काम हो जाएगा। E नॉट सेल निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें कैथोड और एनोड दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन के चेंज हो रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां भी दो इलेक्ट्रॉन के चेंज हो रहे हैं और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन के चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि नट सेल में जो सेल रिएक्शन होगी उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन के चेंज होंगे, तो एन की तो वैल्यू हमें मिल गई स्टूडेंट, एन की वैल्यू क्या हो गई, दो। अब ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, तो ई नॉट सेल जो होंगे ये हो जाएंगे हमारे लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो जब सॉल्व करोगे दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो तो ये आएंगे 1.1 वोल्ट, ठीक है? अब पुट करो, 1.1 इक्वल टू हो जाएंगे 0.059 बाय 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से सॉल्व करोगे बच्चों तो आएंगे लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएंगे 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059। तो जल्दी से सॉल्व करके हमें ये वैल्यू बता दो, वैल्यू कितनी आ रही है। ये सॉल्व करके बेटा हमें बता दो कि वैल्यू कितनी आ रही है। जब इसे सॉल्व करोगे आप सभी तो वैल्यू मिल रही होगी 37.28। क्या मिल रही होगी? 37.28, ठीक है?
अभी भी हमें की इक्विलिब्रियम नहीं मिला है। जो वैल्यू हमें मिली है वो है लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 37.28। अब के इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसके बाद हम लोग करते क्या है कि जो के इक्विलिब्रियम जब निकालने की बारी आती है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू यहां लिखते हैं एंटी लॉग और ब्रैकेट में लिख देते हैं 37.28, ये लिख के छोड़ देते हैं। अगर ये भी लिख के छोड़ देते हो तो भी सही है, या फिर अगर एंटी लॉग निकालने के तरीके पता है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो तुम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब तुम एंटी लॉग निकालोगे कैसे, बात तो ये है एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। तो देखो एंटी लॉग निकालने का सबसे सही तरीका तो टेबल ही है, एंटी लॉग टेबल देख के ही बता सकते हो, या एक तरीका है हिट एंड ट्रायल करके करते हैं यूज। इससे हम एमसीक्यू सवाल सिर्फ सही कर पाते हैं, सब्जेक्टिव सवाल में एग्जैक्ट आंसर दे पाना हमारे लिए बड़ा कठिन काम हो जाता। ठीक है, अब वो तरीका क्या है देख लो, जब भी हमें एंटी लॉग निकालना होता है किसी नंबर का तो हम करते क्या है कि जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम पावर में लिख देते हैं 10 की, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 37। ठीक, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में लिखा है, अब थोड़ा सा तुम्हें सोचना होगा कि किस लॉग की वैल्यू 0.28 होती है, किस लॉग की वैल्यू 0.28 होती है। तो लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। इसका मतलब जो भी आएगा इसके पहले वो नंबर 1 point something करके होगा, क्योंकि 1 होगा तो एग्जैक्टली वो 0 हो जाएगा, और यदि वो log 2 होता तो फिर वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी 0.3। तो हमारे पास तो वैल्यू 0.28 है ना, इसका नंबर, इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, हमेशा 2 से कम होगा। तो एमसीक्यू तो आराम से हो जाएंगे क्योंकि पावर तुम्हें एग्जैक्टली मिल गया, 10 की पावर 37 है। अब देख लो कौन से ऑप्शन है, तो 1 point something into 10 की पावर 37 जो होंगे एमसीक्यू में वो सही होंगे, तो कुछ भी लिख लो, ये लगभग 1.7 या 1.8 के आसपास आते हैं, तो ये हो जाएंगे 1.7 into 10 की पावर 37। एमसीक्यू में तो अगर ये भी नहीं निकालते हो तो भी काम हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में बस इतना लिख दो तो भी तुम्हें पूरे मार्क्स से मिलेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.28। अक्सर ऐसे सवालों में क्या होते हैं कि जो मेडिकल के एग्जाम में आते हैं या फिर बोर्ड में, उनमें एंटी लॉग करके वो वैल्यू ब्रैकेट में दे देते हैं, अगर नहीं दिए हैं उस केस में इतना भी लिख के छोड़ देना सही होंगे, ये तो राउंड फिगर में तुम्हें लिखना होगा तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो जल्दी से नोट कर लो। एक सवाल और हम दे देते हैं, होमवर्क करके आना, वो थोड़ा सा सिर्फ ये इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चैप्टर के मिक्स से वो प्रॉब्लम बनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग, वो हमारे लिए कुछ ऐसे है, प्लेटिनम है, हाइड्रोजन गैस, अब यहां एच प्लस की बजाय वो हमें एसिटिक एसिड दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस टू, या सिल्वर ले लेते हैं कॉपर प्लस टू की बजाय, एजी प्लस, एक्वस, एजी सॉलिड,
हाइड्रोजन गैस का वो प्रेशर मेंशन कर रखे हैं कि वो हमारे लिए 1 bar है, ठीक है। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन भी वो दे रखे हैं हमारे लिए कि 0.1 molar है। एजी प्लस का कंसंट्रेशन 10^-1 molar है। दो चीजें दे रखे हैं, एक तो हमें वो दे रखे हैं ई नॉट एजी प्लस एजी के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे लिए 0.8 volt है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.8 volt। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रखे हैं हमें वो है के ऑफ एसिटिक एसिड, वो है हमारे लिए स्टूडेंट 10^-5। तो देखो, एक तो सवाल नॉर्मली अगर सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनाए केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐड करके या आयनिक को ऐड करके, तो एक तो ये सवाल बन सकता है, या दूसरा सवाल ये भी पूछ सकते हैं एंड ऑल्सो कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट एनोड। ऊपर वाले पोर्शंस जो हैं यही सवाल आईटी के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, 2017 के हैं, सेकंड पेपर में था ये, ठीक है। बाकी हमने बाहर से एक पार्ट इसमें और ऐड कर दिया है, हाँ वो दिया रहेगा। मयंक वर्मा, अब एंटी लॉक नहीं समझ में आया ना, तो एंटी लॉक के लिए सबसे आसान तरीका ये कि और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो फिर इतना ही लिख के छोड़ दो। सिर्फ हमने ट्राई करने के लिए अगर बताया था कि अगर एमसीक्यू सवाल होंगे उसमें तो टिक करने होंगे, तो फिर यही तरीका है कि डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लिखा है उसे 10^10 में लिख दो, क्योंकि हमेशा 10^10 में ही जाएगा, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में लिखा है अब उसके लिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लो अगर है तो। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर लॉग 2 की वैल्यू होती है 10 होती है, तो 0.28 सोचो किस लॉग के लिए वैल्यू आएगी, वो 1 और 2 के बीच में ही होगा, तो वो 1 point something करके होगा, देख लेना। और ये सवाल है तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, सभी के लिए है, करके आना लो, ये बेहतर सवाल है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आपकी जो क्लास होगी वो फिजिक्स की होगी, तो आप जल्दी से उसके लिए क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है। सभी को बाय, और अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।
हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ अमित पांडे, वेलकम टू ऑनलाइन संकल्प। खुशी, गुड इवनिंग। नीतीश, मयंक, विनय। विनय बेटा फिजिक्स चलने जा रहा है, ठीक है। अभिषेक, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमेश, मयंक, सभी को गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुंजन, गुड इवनिंग। परी दुबे, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास की बात करें बेटा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पोटेंशियल यहीं पर एंड हुआ। पोटेंशियल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में हम लोग ईपीई बोल दे रहे हैं। ईपीई मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू आस्था, गुड इवनिंग। आई एम फाइन अभिषेक। तो आज बेटा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फील होगा, आप जो आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है, उसी के जस्ट पैरेलल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर पढ़ा होगा, जस्ट उसी के पैरेलल इसको डिफाइन करना है बेटा, ठीक है। तो चलो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। इसको पहले समझिए कि इसका, इसमें हम कहना क्या चाहते हैं। मान लो बेटा अपने पास, देखिए इसको पहले हम ये डिफाइन कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो बेटा आपने पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट टू पे इसको हमने रखा है, ठीक है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी पर हम इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट पी पर हम लोग इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। बट क्या बेटा हम इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। ये बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, यहाँ पर जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपके पास कोई सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब कम से कम, मिनिमम आपके पास कितने चार्जेज होने चाहिए, मिनिमम दो चार्जेज होने चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, या किसी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो मिनिमम आपके दो चार्जेज होने चाहिए। तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलो, तो जब मिनिमम आपके पास दो चार्ज होने चाहिए, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। मान लो बेटा, अब इसको डिफाइन करते हैं। मान लो अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्जेस Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज आपका Q2 है। दोनों कहां पर है, दोनों एट इंफिनिटी, दोनों को हमने इंफिनिटी पे रखा है, दोनों को इन्फिनिटी पे रखा है। अब अपने को क्या करना है बेटा, इन दोनों चार्जेस को एक एक करके लाना है। कहाँ पर लाना है, किसी रीजन में लाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में भी ला सकते हो,
तो एक एक करके दोनों को लाना है, एक ही साथ दोनों को नहीं लेके आना, दोनों को एक एक करके लाना है और एक सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है? सिस्टम ऑफ चार्ज बनाना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना है। क्या करना है? अपने पास दो पॉइंट चार्ज है बेटा, इसको उठाकर इन्फिनिटी से किसी फील्ड रीजन में लाना है और एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाना है, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज ये अपने आप नहीं बन जाएगा बेटा, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वही जो वर्क होगा बच्चों, वही उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, जैसा कि आस्था ने डेफिनेशन बताया, बिल्कुल सही बताया। तो अगर बेटा मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखूंगा? मैं डेफिनेशन ये लिखूंगा इसका कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग द टू पॉइंट चार्जेस The two point charges the two point charges from infinity to inside a field The work done in bringing the two points charges from infinity to a inside a field for forming a system of charges is called इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ईपीई ऑफ सिस्टम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ईपीई ऑफ सिस्टम, ये बोलेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर है? आपके पास दो पॉइंट चार्जेज है, उन दोनों को क्या किया? इन्फिनिटी से उठाकर किसी फील्ड में लाया, फील्ड रीजन में लाया, और दोनों से क्या किया? कुछ डिस्टेंस पर रखकर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस फॉर्म किया। तो इसको फॉर्म करने में जो वर्क हुआ बच्चों, दैट वर्क स्टोर इन द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, हाँ, यस, आस्था, मिनिमम टू चार्ज। कितने चार्जेस होंगे? मिनिमम टू चार्ज हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम आपके दो चार्जेस रहने चाहिए, सिंगल चार्ज नहीं रहना चाहिए बच्चा, ठीक है। मिनिमम आपके पास दो चार्जेस होना कंपलसरी है। तो चलो बेटा पता करते हैं कितना होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो बेटा यही दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2 है, इसकी के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं। एट इंफिनिटी पे इनको रखा है हमने, ठीक है, ये कोई फील्ड रीजन है, इस रीजन में सबसे पहले हमने Q1 को लाया, दोनों को एक साथ नहीं लाएंगे, बारी बारी से लाएंगे, एक एक करके। सबसे पहले बेटा हमने Q1 को लाया, ठीक है। तो जब पहले आप इन्फिनिटी से उसके उठा के Q1 को लाया, कहाँ पे लाया? पॉइंट O पे लाया। तो जब इसको आप पॉइंट O पे रखोगे बच्चों, तो इसके कारण क्या क्या क्रिएट होगा? इसके कारण एक फील्ड क्रिएट होगी, साथ ही साथ पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। तो हम इससे आर डिस्टेंस की बात करते हैं, इससे आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी ले लिया। तो अगर बेटा मैं पॉइंट पी पर पोटेंशियल लिखूं इस चार्ज Q1 के कारण, तो कितना होगा? सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन ये कितना होगा? तो बाय डेफिनेशन आप पोटेंशियल आप क्या लिखोगे? अगर मैं इसको भी बोल दूं बेटा, तो भी की वैल्यू कितनी होगी? K Q1 by R होगी, ठीक है बेटा।
चलो, तो आपको पोटेंशियल पता चल गया, तो वर्क भी फाइंड कर लो। आप किसको लाओगे? अब इस Q2 को लाओगे। Q2 को कहाँ पे लाओगे? इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाओगे। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाओगे तो यही वर्क डन फाइंड करना है। तो देयरफॉर बेटा आप लिखोगे क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ये वर्क किसके इक्वल होगा? ये वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वर्क फाइंड करने के लिए कैसे वर्क फाइंड करेंगे, ये वर्क कैसे मिलेगा अपने को? इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन लगाएंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन लगाएंगे तो जैसा आप जानते हो, पोटेंशियल की डेफिनेशन से V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q होता है। तो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वर्क V इंटू Q मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? V इंटू Q मिल जाएगा। तो अगर मैं ये वर्क फाइंड करूँ बेटा और इस वर्क को मैं W बोल दूँ, तो W इक्वल टू बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल मैं क्या लिखूंगा? V इंटू किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। तो V इंटू क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। और V की वैल्यू कितना है? पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है ड्यू टू Q1? वो कितना है? KQ1 बाई R है। तो बस इसको यहीं पर पुट कर दो बेटा, ये KQ1 बाई R हो गया इंटू मल्टीप्लाइड बाई Q2 हो गया। और यही वर्क क्या है? यही वर्क इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आप ये लिखोगे, दिस वर्क स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो ये वर्क ही आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो देयरफॉर ईपीई कितना हो गया? देयरफॉर ईपीई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ये बेटा मिला यू इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर मिला। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला हो गया बेटा, इसी को हमें डिराइव करना था। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी पे रखोगे Q1 एंड Q2 को विथ साइन ही रखोगे। इस फार्मूले का जब भी यूज करोगे Q1 और Q2 को विथ साइन ही रखना है, विदाउट साइन नहीं रखना। जो उसका साइन होगा उस साइन के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। ग्रैंड मास्टर ऑफ गैमर्स, गुड इवनिंग। हाँ, आयुष ने उसको पोजीशन के टर्म में लिख दिया R12 करके, ठीक है। आस्था ने उसी को बताया अब DX cos 180, ठीक है बेटा, ओके, कोई बात नहीं। जो आस्था ने बताया उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। पहले का जो डेरिवेशन है उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, उतना लेंदी कैलकुलेशन हम करने नहीं गए। कर सकते हैं बेटा, जो हमने आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया हुआ है ना, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो जो फाइंड करते हैं वर्क डन बेटा, वो हम लोग इंटीग्रेशन करके ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से ही जब हमें पोटेंशियल डिराइव कर लिया है, तो दोबारा मैं वो इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करके डायरेक्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो, अब सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अगर नंबर ऑफ चार्जेस 2 से ज़्यादा होंगे तो कैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे? अगर ईपीई की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की अगर मैं बात करूं,
सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये कैसे आप फाइंड करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप ये पता करोगे। हाँ विनय, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें पहले आप पता करोगे कि नंबर ऑफ सिस्टम कितने बनेंगे, और जितने सिस्टम बनेंगे बेटा उन सारे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उनके जस्ट सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब कैसे निकालेंगे ये हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ सिस्टम पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिस्टम बन रहे हैं। तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे। चलो, क्वेश्चन से ही हुआ आपको क्लियर होगा कि थ्री चार्जेस रहेगा तो कितना सिस्टम बनेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो कुछ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। चलो, आयुष ने कहा कि समेशन कर देंगे। समेशन तभी करेंगे बेटा जब हमें नंबर ऑफ सिस्टम पता होगा। ठीक है, तभी समेशन कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सिस्टम नहीं पता होगा तो समेशन कैसे करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं HCl एटम की बात कर दे रहा हूं। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ HCl एटम। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ HCl एटम, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, आपके पास HCl एटम है, उसका बॉन्ड लेंथ दे दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि HCl एटम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यहां पर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। यहां पर इस एनर्जी को आप HCl एटम की जो एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, और केमिस्ट्री में इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हो और केमिस्ट्री में इसे डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो बताओ बेटा कैसे करेंगे। चलो साथ में ट्राई करते हैं, HCl एटम की बात करते हैं बच्चों। तो जब आप HCl को ब्रेक करोगे बेटा तो ये बनेगा H+ सिंगल बॉन्ड Cl-, H+ सिंगल बॉन्ड Cl- बनेगा। ठीक है, अपने को इसी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है केमिस्ट्री में, जिसे डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। चलो फाइंड करो बेटा। तो ये बॉन्ड लेंथ आपको दे दिया बेटा, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ आपको दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.53 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब बताओ बेटा कि ये जो H+ आयन है, ठीक है, इस पर कितना चार्ज है और ये जो Cl- है इस पर कितना चार्ज है, प्लीज आंसर। हाँ, H+ पे कितना चार्ज होगा और Cl- पे कितना चार्ज होगा बताओ बच्चों। अगर बेटा मैं इस पे चार्ज Q1 बोल दूं तो ये कितना होगा, और अगर Cl- पे चार्ज Q2 बोल दूं तो ये कितना होगा, प्लीज आंसर। हाँ आस्था, ठीक है, चार्ज बताओ बेटा कितना है इस पे। आयुष ने आंसर बता दिया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं बेटा, पहले बताओ H+ पे चार्ज कितना है। हाँ नहीं, इस पे चार्ज जो होगा बेटा, इस पे देखो H+ है ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, वैकेंसी है। तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर प्लस ही चार्ज होगा, और इस पर देखो Cl- है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, माइनस ही होगा, यही ना चार्ज होगा। अब बस जब चार्ज भी पता चल गया
तो सिंस यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसी में वैल्यू रख दो। के की वैल्यू बेटा आप लोग जानते हो 9 × 10⁻⁹ होता है, क्यू वन की वैल्यू प्लस ही है, क्यू टू की वैल्यू माइनस ही है, डिवाइडेड बाई आर। आर आपका मिला बेटा 0.53 × 10⁻¹⁰ मिला। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, माइनस को हमने आगे ले लिया 9 × 10⁹, ठीक है। ई की वैल्यू आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.53 × 10⁻¹⁰। इसको सॉल्व कर दो बेटा, इतना जूल आ जाएगा, इतना जूल आएगी आपकी, केमिस्ट्री में से डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे और फिजिक्स में से पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये जूल में आई, अब इसको आयुष ने इलेक्ट्रॉन बोल्ट में चेंज किया है, तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में चेंज करना चाहते हो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में चेंज करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिंस आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होती है बच्चों। तो अगर इस एनर्जी को आप बेटा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से 1 जूल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जस्ट इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.6 × 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन बोल्ट हो जाएगा। तो अगर बेटा ये जो एनर्जी आई है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन बोल्ट के टर्म में लिखना चाहते हो, तो इसमें बेटा क्या करो, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दो, तो वह जो आंसर आएगा वह आपका इलेक्ट्रॉन बोल्ट में आएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा है, कैलकुलेशन करोगे बच्चों मिल जाएगा ये आपको, कोई बात नहीं, आस्था होता है। आयुष आपने ऐसे ही किया था, अगर आपने ऐसे किया है आयुष तो आपका आंसर सही होगा। हाँ टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बेटा, तो इसको कर लेना, मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। हम 3 चार्जेस की बात करें, मान लेते हैं बेटा हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बोल दिया स्मॉल ए है, इसके हर एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इस कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ पर बेटा हमने प्लस 2 क्यू चार्ज रख दिया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द ईपीई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ठीक है आयुष, उसको एक बार रीचेक कर लेना बेटा। चलो बेटा यहां पर देखो, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस आपके 2 से ज्यादा है, नंबर ऑफ चार्जेस कितने बेटा, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस आपके 3 है बच्चों, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस आपके 3 है बेटा, तो यहां पर कैसे हम लोग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे वो देखना है। तो बेटा मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद मैथमेटिक्स से भी बता दूंगा कि नंबर ऑफ सिस्टम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं हैं उनके लिए मैं पहले तरीका बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सिस्टम कैसे पता करते हैं।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सिस्टम पता करने का सिंपल रूल यही है बेटा कि आप जानते हो एक सिस्टम कितने चार्जेस से मिलकर बनेगा, दो चार्जेस से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो बेटा, एक प्लस क्यू और ये प्लस क्यू वाला, ये दो चार्ज है, तो ये दोनों एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ बेटा ये प्लस क्यू और ये प्लस टू क्यू, ये दोनों भी आपके दो चार्जेस हैं, तो ये दोनों भी एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। और ये प्लस टू की और ये प्लस क्यू, ठीक है, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक सिस्टम आप चार्ज फॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हुए बेटा, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम थ्री हुए। उनकी क्या करो, हर एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और फिर उनका स्केलर सम ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स वालों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ सिस्टम निकालने का तरीका हम लोग परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस तीन है और एक सिस्टम कितने चार्जेस से मिलकर बन रहा है, दो चार्जेस से, ठीक है। तो तीन चार्ज में से दो चार्ज सेलेक्ट करने के तरीका कम्बिनेशन से निकालेंगे, वो आपका 3C2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो यहां से भी ये तीन निकल के ही आएगा। ये मैथमेटिकल मेथड है नंबर ऑफ सिस्टम पता करने का। बाय वाले बच्चे परेशान ना होंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पर हमने उसका कम्बिनेशन का एक एप्लीकेशन बताया उनको कि तीन में से दो चार्ज सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3C2 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सिस्टम कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, ठीक है। और वो सिंपल रूल क्या है, दिमाग लगाओ, आपको नंबर ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा कि एक सिस्टम दो चार्जेस से मिलकर बनेगा, तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम की, तो क्या लिखोगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। तीनों तीन सिस्टम बने बेटा, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको ऐड कर दो, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन प्लस क्यू और प्लस क्यू की, तो फार्मूला लगाओ, तो ये क्या लिखोगे, के क्यू इंटू क्यू बाई ए, प्लस इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो के 2Q इंटू क्यू बाई ए, और साथ ही साथ इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो ये कितना हो गया, के 2Q इंटू क्यू बाई ए। अब इसको ऐड कर दो बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो कितना आया, कितना है बच्चों, हाँ आयुष ने बताया 5K³² / 8, ठीक है बेटा। ये 2, 2, 4 और 1 मिलकर 5 हो गया, तो ये 5K³² / a आ गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है बेटा, यही सही है, 5K³² / a हो गया। ओके, ठीक है, तीन से बढ़ाकर चार ले लेते हैं, चार चार्जेज लेते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसी पर, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ईपीई ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, ईपीई ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस।
चलो बच्चों करते हैं हम। मान लिया बेटा एक स्क्वायर लिया हमने, इस स्क्वायर का साइड ए बोल दिया, इस स्क्वायर का साइड ए बोल दिया और यहां पे चार्जेस रख दिया। यहां पर बेटा प्लस क्यू रखा, यहां पर बेटा हमने माइनस क्यू रख दिया, ये प्लस टू क्यू रख दिया, ये माइनस टू क्यू रख दिया। आपको बोल रहा है बेटा फाइंड द ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आपको इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले क्वेश्चन नोट करो और आप हमें यह बताओ कि यहां पर नंबर ऑफ सिस्टम कितने फॉर्म होंगे, हाउ मेनी सिस्टम्स आर फॉर्म्ड देयर, प्लीज आंसर। फोर होंगे, आस्था ने कहा फोर होंगे। चलो लेट मी चेक कितने बनेंगे ये चेक कर लेते हैं। चलो सिंपल सा, आस्था ने यह देखा कि ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो ये एक सिस्टम ये बन गया। अगर इसकी मैं नाम देता जाऊं, ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये सी बोल दूं, ये डी बोल दूं, ठीक है, तो एक सिस्टम ये पॉइंट ए और पॉइंट बी वाले चार्ज बनाएंगे, दूसरा सिस्टम पॉइंट बी और पॉइंट सी वाले चार्ज बनाएंगे, तीसरा सिस्टम पॉइंट सी और पॉइंट डी वाले चार्ज बनाएंगे और चौथा सिस्टम पॉइंट डी और पॉइंट ए वाले चार्ज बनाएंगे, ठीक है। अब पांचवा सिस्टम ये बनाएगा, पांचवा सिस्टम पॉइंट ए और पॉइंट सी वाला चार्ज भी बनाएगा, ये भी बात याद रखना, और छठवा सिस्टम कौन बनाएगा, पॉइंट डी और पॉइंट बी वाला चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम बेटा छह बनेंगे, यहाँ पे चार नहीं बनेंगे, टोटल छह बनेंगे, ठीक है। रोहित वर्मा और गुंजन का आंसर बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ सिस्टम छह बनेंगे यहाँ पर, एक ए बी वाला बना, दूसरा बी सी बना, तीसरा सी डी बना, चौथा डी ए बना, पांचवा बी डी बना और छठा ए सी बना, ये टोटल सिक्स सिस्टम ऑफ चार्जेस बने, ओके। और मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो, जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले होंगे तो फोर चार्ज में से दो चार्ज सेलेक्ट करने का तरीका 4C2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर दोगे बेटा तो ये 6 ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिस्टम 6 बने टोटल यहाँ पर। तो आप आपको क्या करना है, इन जितने भी सिस्टम बने सबकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है। तो चलो बच्चों करो साथ में, बताओ कितना आंसर आएगा। तो U इक्वल टू आप लिखोगे बेटा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, ऐड करते चलो। एक ए बी वाले सिस्टम की ऐड करो तो इसका क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू ये माइनस क्यू है बेटा, साइन के साथ रखना है, बाई ए। U2 मान लिया इसकी एनर्जी है तो ये कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू इंटू टू क्यू बाई ए। U3 सी डी वाले का ले लो तो ये कितना हो गया, के 2q इंटू माइनस 2q बाई ए। U4 ए डी ए वाले सिस्टम का ले लो तो क्या लिखोगे, प्लस के डी वाला कितना है, माइनस 2q इंटू प्लस क्यू बाई ए। प्लस U5 इस AC वाले का ले लो तो ये बेटा ए है, ये ए है, तो ये बेसिकली AC और BD इसके डायगोनल है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √2 आ जाएगी। तो अगर AC वाले का लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस के क्यू इन टू 2q बाई ए √2। और लास्ट वाला सिस्टम बेटा क्या है, प्लस BD वाले का के माइनस 2q इंटू माइनस क्यू बाई ए। अब इन सभी को ऐड कर देना बेटा, ये टोटल आपके 6 सिस्टम बने, इन सभी को ऐड कर दो, वही आपका आंसर आएगा। होता है बेटा आस्था कभी कभी दिन नहीं सही रहता है तो आंसर गलत भी आते रहता है, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, इन चारों को तो ऐड कर दो, U1, U2, U3, U4 को, क्योंकि इसका एलसीएम सेम है, ए है, इसका इन दोनों का एलसीएम डिफरेंट है, ये ए √2 होगा बेटा। बताओ कितना आंसर आ रहा है,
यहाँ पर कुछ करना नहीं है ज्यादा बेटा, बट आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए और जोड़ते जाओगे आपको आंसर मिलता जाएगा। कुछ यहाँ पर लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा और माइंड का यूज करना है, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आयुष बेटा, अभी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इजाजत नहीं मिली है, अभी जो अनलॉक टू के जो गाइडेंस आए हुए बेटा, गाइडलाइंस जो आई हुई है उसमें 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, हो सकता है 31 जुलाई के बाद ओपन हो। हाँ, और BHU एंट्रेंस वाले जो एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त टू 31 अगस्त के बीच होने वाले हैं। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इनको जोड़ते जाओ ना, सिंपल सा है, देखो जोड़ो हो जाएगा साथ में। तो U इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, ऐड करते जाओ, ये देखो -KQ² / ये आ गया, ये -2KQ² / ये आ गया, देखो ये -KQ² / ये -2KQ² / मिलकर कितना हो गया -3KQ² / ये क्या हो गया 2 × 4 -3 और -4 मिलकर -7KQ² / ये, और -7 और -2 मिलकर -9KQ² / ये आ गया, ये मिला आपको -9KQ² / ये, अब प्लस इन दोनों का जोड़ दो तो ये कितना हुआ बेटा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2KQ² और ये 2KQ² मिलकर 4KQ² हो जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा 4KQ² / √2। ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो, तो KQ² / ये कॉमन हो जाएगा, तो ये बच्चा -9 + 4 √2 KQ² / ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो इसी तरीके से जितने भी सिस्टम बनेंगे बेटा, तरीका आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर ऑफ सिस्टम पता करेंगे, और जितने भी सिस्टम बनेंगे बेटा हर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, वही आपका पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी गया बोर्ड में भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। इसमें ये बोलता है कि यहाँ पर एक बेटा हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इनके बीच में हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस बेटा ए बोल दिया और ये डिस्टेंस भी ए बोल दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, द ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो। ठीक है बेटा, आपको पूछ रहा है कि स्मॉल क्यू की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ये डिस्टेंस आपको ए मेंशन है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं बेटा इसको भी सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ सिस्टम कितने बने, बताओ तो जल्दी से, हाउ मेनी सिस्टम्स आर फॉर्म देयर, तीन चार्जेस हैं बेटा, नंबर ऑफ सिस्टम कितने बनेंगे,
तीन बनेंगे, बिल्कुल सही बताया बच्चों आप लोगों ने, तीन बनेंगे। एक कौन बना, एक ये देखो ये प्लस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू वाला बना, एक प्लस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू वाला बना, और एक बेटा यह बना, दोनों प्लस कैपिटल क्यू वाले। तो ये तीन सिस्टम बने बेटा, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और इसको इक्वल्स टू जीरो कर दो, आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो करते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी को हमें जीरो करना है, तब जाकर हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो बेटा पहले इन दोनों की लिख लो, इन दोनों की आप राइट करोगे तो ये के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई ए हो जाएगा। फिर इन दोनों सिस्टम आप चार्जेस के लिए लिख दो तो ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, प्लस दोनों कैपिटल क्यू वाले के लिए लिखो तो इन दोनों के लिए लिखोगे बेटा तो के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब ए और ए मिलकर 2a हो जाएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस बेटा 2a हुई, इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, यहाँ से आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 2k कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई ए हो गया, इसको इस साइड भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई 2a। तो देख रहे हो के क्यू बाई ए के क्यू बाई ये कैंसिल हो गया बेटा, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस क्यू बाई 4 मिल गई। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो आज के लिए बेटा बस मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि आज का टाइम समाप्त हुआ। बाकी बच्चों बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। इससे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपके पास जो भी साइड बुक होगी, अगर एसएल अरोरा है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि वो सबसे अच्छी बुक मानी जा रही है इस समय। और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड मिल जाएंगे, या और भी कोई साइड बुक हो, प्रदीप हो, दिनेश हो, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की साइड बुक हो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करें, जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएगी बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ बच्चों क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सभी को। हाय बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन संकल्प में स्वागत है। अभी आप पढ़ रहे थे फिजिक्स की क्लास, इसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास। कुछ चीज़ें हम लोग कल डिस्कस किए थे, मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था और आशा है कि आप होमवर्क कर लिए होंगे, और कर लिए हैं तो धीरे धीरे मुझसे जुड़िए और अपने क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कल जो मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, और किसी का व्हाट्सएप ग्रुप आया नहीं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं आया किसी का, तो आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं वो आप ही जानिए, है ना। और आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जो भी आप पढ़ते हैं उनको बहुत बेहतर ढंग से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखो हम लोग से आप दूर हो। दूर होने का मतलब कि आप इस लॉकडाउन में हम लोग कहीं एक स्टूडियो में क्लास पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, ये भी नहीं कर सकते हैं कि भाई होमवर्क दिखाओ या कुछ करो,
या कुछ प्रेशर करो, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं आपके लिए इस तरह से। आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझें कि अगर आप अपने यहाँ से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप वहाँ बैठ करके समय खर्च करके अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं, तो आप होमवर्क जरूर किया करिए। मैथ्स में बहुत ज़रूरी है बच्चों, मैथ्स में पर डे बाई डे आपका अगर होमवर्क नहीं होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, है ना, प्रॉब्लम आपके पास नहीं आते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छी पढ़ाई करें, इसके लिए आप कोई भी बुक हो, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े लेवल की बुक उठाओ, पहले एनसीईआरटी की बुक जो आपके पास है उसे आप बेहतर करें, उसे आप हल कर लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के बाद अगर आप बहुत छोटी छोटी किताबें बता रहा हूँ आपको, आरएस अग्रवाल की किताब ज़्यादातर बच्चे रखते हैं, अगर आपके पास वो है तो उसे करिए, ठीक है। ख़राब किताबें नहीं होती, आप पहले पढ़िए, तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ सिखा दिया हूँ आपको। उसके बाद दास गुप्ता, आर डी शर्मा, अरिहंत, यूसी सिंघा, केसी सिंघा, तमाम तरह की बुक हैं, आप उठाकर पढ़ सकते हो। पर अभी बहुत बड़ी किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले छोटी किताबों को क्लियर कर लो, क्योंकि ज़्यादातर जब कोई कंपटीशन होता है या बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल के ही पाते हैं, ये 100% है। आप कभी कोई पेपर उठाइए आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी उठाकर सॉल्व कर लो और देखो, तो आपको क्वेश्चन पिछले जो एग्जामिनेशन में आए हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी ये सब भी चीज़ें नहीं कर पाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े चक्कर में पड़े रहते हैं, बहुत छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, और होता क्या है एग्ज़ाम का रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम का बेहतर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आप पर डे होमवर्क कीजिए, क्वेश्चन को फंसाइए और अपने टीचर से डिस्कस करो। इतने ज़्यादा मीडियम आपके पास बना दिए गए हैं, इतने ज़्यादा मीडियम मतलब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, आप डायरेक्ट टीचर से हम लोग को भी फ़ोन करके आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि क्या कोई दिक्कत हो रही है। और ये तो आपका लाइव चैट चल ही रहा है, अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने उस चैट से मुझे यहाँ बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़िए, जुड़ करके फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, ये इस बात का दुख है मुझे बहुत ज़्यादा, है ना। बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर तो अच्छा काम नहीं है। मैंने सब्स्टिट्यूशन कल सिखा दिया था, सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन आप करिए, और क्वेश्चन जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आज मैं इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन आपको बताऊं, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, और यही क्वेश्चन हूबहू जैसे लिख रहा हूं वाईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई अपॉन टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए क्या किया जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा था मैं इसका टाइप बता दूं, किस टाइप का क्वेश्चन ये, यही क्वेश्चन था पूछा गया था। कैसे पूछा था, हाउ मेनी रियल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रियल सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया गया और आपसे केवल कहें हम सॉल्व करके दिखाइए, तो सोल्यूशन का मैं मेथड बता रहा हूं, इस सोल्यूशन को आप देखिए ध्यान से, लगातार जुड़े रहिए भाई, तमाम तरह की जब प्रॉब्लम्स पैदा करोगे ना, ये जान लीजिए कि अगर आप अपने अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को अपने टीचर के सामने पुट अप नहीं करते हो तो आप अच्छी पढ़ाई कभी नहीं कर रहे हो, और यही सब चीज़ें आगे चल करके डिफिकल्ट हो जाती है ना। अभी आज 11th 12th जो होता है ना कि गोल्डन टाइम होता है एजुकेशन का, अगर इस गोल्डन टाइम को आपने मिस कर दिया पढ़ने के लिए तो आपके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, समझने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, दिमाग हारा हारा नजर आएगा। लेकिन अगर आप यही 2 साल जो 11th 12th होता है इस गोल्डन टाइम को अगर आपने चमकाया तो आप पूरी लाइफ भर चमकने वाले हो, ये बात नोट कर लीजिए आप। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स ये इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, आप पाई बाई टू लिख लें। तो
साल्व कैसे किया जाए, क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू को या इस वैल्यू को उधर लेकर चले जाएं। तो आप ट्रांसपोजिशन करो, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स, कोई भी काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन आपको मिलेगा ही। पाई बाई टू माइनस, अगर इस टैन को इधर लाते हैं तो टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना हो तो हमने आपको इतना अच्छे से सिखाया कि पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो कॉट इनवर्स होती है। इसे आप तुरंत इसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट, जो जैसे है वैसे ही नोट करते रहिए, एक्स प्लस वन। इसे हम लिख देंगे कॉट इनवर्स, क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कॉट को अगर ये साइन यहां लिखा गया तो यहां भी इसे साइन में बनाने की कोशिश करिए। कॉट इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहां लिख करके समझाता हूं। इसे बाई वन कर लो, बाई वन करके आप अगर वहां चीजें नहीं समझ आती तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल में ये एंगल थीटा सपोज कर लो, और आपको पता है कि कॉट थीटा जो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत पड़ गई तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। बेस बाई, माफ कीजिएगा, इस एंगल को बेस लिखना है, थोड़ी सी चेंजेस, यहां यहां होगा बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर होता ना, एक्स और ये प्लस यहां वन लिखेंगे। अगर इस ट्राइंगल से साइन निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाई क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस लिखेंगे, और इसे लिख देंगे वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। बच्चों यहां समझिए आप कि ये इज इक्वल टू ये है, ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, और साइन के पहले कुछ भी नहीं है, तो हम यहां दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर कराने का मतलब ये होता है कि आप क्या पाएंगे, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इधर से साइन साइन को हटा दो दोनों साइड से, कंपेयर करने का मतलब ये हुआ, और ये आपको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बाई वन कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होगा, और इधर वन इंटू वन करेंगे तो वन हो जाएगा, वन दोनों साइड से कैंसिल हुआ। इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या मिलेगा, फैक्टराइजेशन कर लो, एक्स प्लस वन जीरो मिल जाएगा। इसके बाद इसमें दो फैक्टर, ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो दोनों जीरो होंगे, तो इसमें टेक लेते हैं, टेक एक्स जीरो, आर को भी एंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आए, यही इसके सोल्यूशन हो गए, इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए। संदीप जुड़ गए हैं, संदीप कह रहे हैं सर नेट स्लो चल रहा है। हाँ बच्चा ये बात तो है, गांव वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर पंडित हर्ष भट्ट बोल रहे हैं हाय। आयुष जायसवाल कह रहे सर रितेश सर नहीं पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ा रहे हैं भाई, आप पढ़ो तो, दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, वो रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है बच्चों, आप इसका सोल्यूशन देख पाएं, आईआईटी का क्वेश्चन यही था कि अगर पूछा जाता है इसमें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन इज कितना होगा, टू, टू रियल सोल्यूशन इसके होंगे, टू रियल सोल्यूशन, वन इज जीरो एंड सेकेंड इज माइनस वन। इसे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, और ये एनसीईआरटी में भी है, और आपको हर एक साइड बुक में क्वेश्चन मिलेगा आजकल, क्योंकि एक बार आईटी में आ चुका है इसलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे और क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, इक्वेशन के क्वेश्चन करिए आप, बोर्ड में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट करिए और आगे बढ़िए।
और ये अगर समझ में आ गया ना आप लोगों को, वहां से मुझे यस भेजिए, यस यस लिख करके भेजिए कि ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, तब तक मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका इक्वेशन, ये सोल्यूशन आपको ये क्वेश्चन बुक में मिलेगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। टैन इनवर्स यक्स माइनस टू अपान यक्स माइनस फोर प्लस टैन इनवर्स यक्स प्लस टू अपान एक्स माइनस फोर, इसमें का दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, आप दोनों करिएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, है तो बहुत छोटा और बड़ा भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे ये बात हमें समझनी है। तैयार हो तो शुरू किया जाए। बच्चों, इसे लिखने के हमारे पास दो मेथड होंगे, दोनों मेथड को आपको दिखाऊंगा। पहले एक मेथड देख लिया जाए जो आप लोग प्रॉपरली यूज करते हो, उस मेथड को हम लोग यहां देखेंगे। इस मेथड को अगर करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला आपके पास होता है, और डायरेक्ट मैं यहां से इसका सोल्यूशन बनाता हूं, ठीक है। इसमें दो बार मुझे लिखवाइए मत, आप ये क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन का पहला स्टेप ये होगा, तो हम इसी को लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो फार्मूला आप देख लीजिए कि हम ये फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब आपको ये फार्मूला पता हो गया तो सेम एक्स वाई की वैल्यू इसी से रिप्लेस करा दी जाएगी, यही दोनों वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और इसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करा दो, जो रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं, टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर मैंने लिखा है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये है एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर। एक बार लिखने में बड़ा लगता है पर उसके बाद ये कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाता है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर, ठीक है। एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू पाई बाई फोर। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कहां से, इसके बाद से ये लिखा हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ये फार्मूला आप देख रहे हो, इसी फार्मूले का मैंने यूज किया। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है इसे सॉल्व करके छोटा करेंगे, तो दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स, इसे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए, एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू यहाँ, एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर यहाँ, और बाई में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस फोर, मैं कंप्लीट सोल्यूशन बना रहा हूँ, इसमें कहीं कुछ भी छोड़ नहीं रहा, इनटू जो डेनोमीटर में है इसे हम सॉल्व करके, लेकिन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डेनोमीटर डेनोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और आप क्या लिखेंगे जानते हैं, एक्स माइनस फोर नीचे से ये डिनोमीटर से ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस फोर बाई नीचे लिखेंगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, बीच माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू पाई अपान फोर लिखेंगे। अब आगे की कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो आगे की जब कैलकुलेशन की बात हम लोग करेंगे तब इसमें कुछ कैंसिल होगा, इसके डेनोमीटर में ये है, न्यूमरेटर में ये है, कैंसिल हो गया। इस टैन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन पाई बाई फोर, और ये लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर
फोर माइनस टू करेंगे तो प्लस टू यक्स हो जाएगा और माइनस एट हो जाएगा, फोर टू जा एट, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। शशांक पांडे जुड़ गए, खुश रहिए भाई, मस्त रहिए, कहाँ गायब हो गए थे, दो तीन दिन से दिख नहीं रहे हैं आप। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स और माइनस एट लिखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इतने का जब करेंगे तो बाई बाई यहां से यक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन माइनस 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 प्लस फोर हो जाएगा, और कैलकुलेट कर लीजिए, टू यक्स से कैंसिल, यक्स स्क्वायर टू यक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू यक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपान सिक्सटीन प्लस फोर कर दें कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, इज इक्वल टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू से यहां कैंसिलेशन भी करा सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ऊपर नीचे यहां टू से कैंसिल कराने के बाद आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिक्स एट को उधर ले जाते हैं तो ये मिलता है कि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू, अगर रूट निकालने की बात करें तो यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करूं तो वो जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट टू होगा, और आपको पूरा कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया धीरे धीरे, और आपको हमें लगता है कि समझ में भी आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट से बताइए, हेल्थ प्रॉब्लम। चलो भाई अभी ठीक हो कि नहीं शशांक, बहुत ध्यान दीजिए है ना, कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तुरंत दवाई लीजिए है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो इंतज़ार नहीं करना है, मौसम भी बदल रहा है, इसमें तकलीफें बढ़ सकती हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसे आप बाहर का रास्ता दिखा दीजिए ना, इंतज़ार नहीं करना है, दवाई तुरंत खा लेना है। चलो ठीक है, इसे नोट करते रहिए बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट करके कुछ बोलिए तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर बोल दीजिए, बहुत मजेदार होता है, बस थोड़ा सा ना फार्मूले अगर पीछे के तैयार रहेंगे तो फिर मजा आएगा, तब तक अपना एक काम होता है डेली वाला कर लिया जाए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, सब चीज आप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया बच्चों आप देखिए किसी पेपर में उठाकर, एग्जाम टाइम्स, एग्जाम आईडीएम कहीं भी उठाकर देखिएगा, आपको सारी चीजें बुक से मिलेगी, बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और वो इतने इंपॉर्टेंट, मैंने जितना बोर्ड में लिखता हूँ ना वो सब बोर्ड में इतने इंपॉर्टेंट हो तो वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस साल का भी पेपर उठाइएगा ना देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ा, ठीक आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग, चलो बच्चों सेम ऐसे ही दूसरा प्रॉब्लम है, सेम इसी का फोटो स्टेट है, वो कैसे हैं वो भी बुक में क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सॉल्व ये आप करेंगे, ये मैं नहीं करने वाला, सेम इसी तरह से आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, टेन इनवर्स यक्स माइनस वन बाई यक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स यक्स प्लस वन बाई यक्स प्लस टू, जो अभी मैंने प्रॉब्लम आपको सिखाया है सेम वही प्रॉब्लम है। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो मुझे आप बोलिए, अगर इसका सलूशन आप बना पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते तो मुझे बोलिए, नो सर, वहां से जवाब दीजिए नो सर, अगर नहीं कर पाए नो सर बोलिए तो मैं करके दिखा देता हूं, आपके आंसर का वेट है, जल्दी करिए। मैं भी लाइव चैट देखता रहता हूं आपका, क्या करूं, नहीं तो आप लोग भटक जाते हैं। इसका मैं, अगर आप चाहें तो मैं धुआंधार सोल्यूशन इसका बना देता हूं, ठीक है, अगर इसके सोल्यूशन की बात करूं तो फार्मूला आपको पता है, मैं कम स्टेप में इसका कैलकुलेशन कर देता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, और जब फार्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा यक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू यक्स
माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू कैलकुलेट करने के बाद यही आएगा, और ये माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर। मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ लपेट लपाट डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा, टू टू फोर हो जाएगा, और ये टेन को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर या इज इक्वल टू, ये प्लस फोर हो जाएगा और माइनस थ्री यहाँ है, इज इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू होगा, इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन रहा है, बोर्ड का ये सवाल है, और ये आप बोर्ड में देखिए 10 बार से कम नहीं पूछा गया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप पेपर उठाइए और पेपर में आप देखेंगे, या आप जो कोई भी और हेल्पिंग बुक रखे हैं जिसमें आपको दिखाई पड़े, ये क्वेश्चन 10 बार से कम बोर्ड में नहीं पूछा गया है। आप इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, वैसे इसका आंसर याद भी होना चाहिए आपको। मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया, बाकी काम आपको करना है। एक अगला क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, झटपट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बताने हैं आपको, दिमाग में रखिए। शशांक ने जवाब भी दिया, कर लेंगे सर जी। संदीप यादव ने कहा ट्राई टू डू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ट्राई तो करना ही चाहिए। तो मेरे साथ एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, वो कौन सा प्रॉब्लम, बहुत खतरनाक है, वो भी आईआईटी का प्रॉब्लम है, पर एकेडमिक में भी है, वो सवाल बोर्ड का सवाल है। सॉल्व द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमसे किसी ने डिस्कस भी कर लिया था, कोई बात नहीं है, अगर आपने पूछ लिया तो आप नहीं पूछे, आप तो कुछ पूछते ही नहीं यार, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं, क्या समस्या है, ये नहीं समझ पाते यार, अपने अपनी बातें अपने टीचर तक पहुंचाइए, तब जाकर के पता चले यार आप क्यों नहीं पूछ रहे हो। और ये मैं इतने लेवल पर बोल दे रहा हूँ आपसे, आपको सब लोग देख रहे हैं यार, मुझे भी देख रहे हैं, आप नहीं पढ़ते हो, और आप पढ़ने की कोशिश करिए ना, आप अपने टीचर को परेशान करो भाई, मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, सारे लोग मुझे चैनल पर देख रहे हैं, और ये मैं उन लोग सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सभी लोग हमसे प्रॉब्लम करें, पूछें, तब जाकर के मजा आएगा। और इतनी हेल्पिंग चीज़ें आपको यहाँ संकल्प ट्यूटोरियल से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आप पता नहीं कहाँ गायब हैं। अगर आप हमें परेशान नहीं कर पाएं, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएं, किससे पूछेंगे भाई। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, मेरे साथ आइए, या तो मैं मजाक करते रहता हूँ ऐसे, ठीक है। जब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, तो साइन इनवर्स, पहले जो इक्वेशन दिया गया है इसे आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, इज इक्वल टू पाई अपान थ्री हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने की बात फंस गई है इसमें, हम तो या तो फार्मूला अप्लाई कर लें या तो कुछ और कर लें। मैं इसके लिए एक छोटा सा चाहूंगा कि कम से कम जो एक लिखने का सिस्टम होता है कि ज्यादा स्टेप ना अप्लाई करके कम स्टेप में इसका बेहतरीन सोल्यूशन बना सके आप, वो काम मैं करना चाहता हूं। तो इसके लिए बच्चों एक जुगाड़ लगाइए, साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, साइन इनवर्स टू एक्स लिख दीजिए, और ये आप जानते हैं 60 डिग्री होता है। अगर इस 60 डिग्री को इनवर्स में लिखने की जरूरत पड़ जाए तो इसे साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता है साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू की वैल्यू 60 डिग्री होती, पाई बाई थ्री होती। इसमें ट्रांसपोजिशन कर लो, साइन इनवर्स को उठाकर उधर लेकर चले जाओ, तो ये इंप्लाई करा लेते हैं, इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू, इस साइन को इधर लाइए, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। फिर जब आगे बढ़ना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू, इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और माइनस वाले के लिए क्या फार्मूला होता है वो देखिए, साइन इनवर्स x, x मतलब अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर
माइनस वाई, वाई की जगह पर यक्स है, यक्स अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। दोनों साइड से अगर कंपेयर कराया जाए बच्चों, तो ये भी साइन इनवर्स है और ये भी साइन इनवर्स है, तो हम साइन इनवर्स को इलिमिनेट करा देते हैं, गायब करा देते हैं। क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा क्या, अंडर रूट थ्री बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई टू बचेगा। देखिए थ्री बाई फोर लिखेंगे, फोर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर माइनस थ्री को वन कहेंगे, वन बाई फोर, वन बाई फोर का जो रूट आएगा वन बाई टू होगा, तो इसे वन बाई टू मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं इस सोल्यूशन को इस वाले जगह पर बना देता हूं, मेरे साथ देख लीजिए एक बार। तो 2x, x को ट्रांसपोज करके इधर लाइए, तो दिस इंप्लाइज 2x प्लस, एक भी स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूं, सारा लिख रहा हूं, अंडर रूट थ्री बाई टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। इसे सॉल्व की जाए, टू टू जब फोर प्लस वन फाइव लिखेंगे, फाइव एक्स बाई टू, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें यक्स चाहिए, यक्स सॉल्व करने के लिए इधर रूट है, रूट फंसा हुआ, रूट को हटाएंगे कैसे, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री बाई फोर होगा और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जब स्क्वायर कर देंगे तब, तो यहां लिख देना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग लिख दीजिए, इसके बाद आप समझ जाएंगे। यहां 25x स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे और ये अंदर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 3 बाई 4 x स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू 3 बाई 4 लिखेंगे, और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4 लिखेंगे, 4 दोनों साइड से कैंसिल, यक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 बाई 28 होगी। यक्स की वैल्यू अगर निकाली जाए तो यक्स की वैल्यू यहां से, यक्स की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो यक्स की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 बाई 28 को लिख सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7, 4 से बन जा 28 होता है, तो मैंने उतना लिख दिया। अब बच्चों इसमें जो एक जो आईआईटी में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया था, या आपके एकेडमिक में जो ऐसी प्रॉब्लम पैदा होती है, हम लोग तो सोल्यूशन बना लेते हैं, हम लोग तो थैंक यू भाई, अगर आपने ऐसा मुझे मेरे लिए कमेंट किया, पंडित हर्ष भट्ट लिख रहे हैं, सर आप एक अच्छे टीचर हैं, थैंक यू सो मच, आप ऐसा मेरे लिए कमेंट किए, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे पास है। यहाँ बच्चों हम लोग इक्वेशन जो नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते करते तो हम यहाँ पहुँच गए, पर यहाँ जब डिसीजन की बात की जाएगी कि ये इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें दो सोल्यूशन आपको मिले, एक प्लस मिला एक माइनस मिला हुआ है, तो प्लस माइनस के लिए जब हम डिसाइड करना चाहेंगे तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहां एक ब्लॉक बनाकर दिखाता हूं, इसी ब्लॉक में आपको डिसाइड करके दिखाता हूं। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू प्लस में आ रही है अंडर रूट थ्री बाई टू अंडर रूट सेवन, और एक दूसरा सोल्यूशन मिल रहा है वो क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू अंडर रूट सेवन। पता किया जाए कि ये इनवर्स फंक्शन में ये चीजें होती हैं, बहुत बारीक हैं, आंसर को लिखने के बाद मैच कराना जरूरी होता है। नॉर्मल वे में तो सारे सॉल्यूशन आ ही जाते हैं, पर अगर आप कंपटीशन में इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर जो आता है उसे चेक करना मस्ट होता है, नहीं तो कभी कभी आपके आंसर जो आप दिए हैं वो भारी हो जाए, गलत हो जाएगा। ये देखिए ये वैल्यू अगर इसमें रखें, ये प्लस वैल्यू है तो ये प्लस रखने पर कोई ना कोई प्लस वैल्यू देगा, ये कोई ना कोई प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इसमें भी अगर इसका टू टाइम्स कर दें तो ये भी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में ही होगी। जब दो प्लस को दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव आता है कि नहीं, दो पॉजिटिव नंबर का सम एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन अब निगेटिव की बात करेंगे
इस निगेटिव नंबर को उठा करके, इस निगेटिव नंबर को उठा करके आप जब इसमें रखेंगे, इसमें रखने पर ये निगेटिव रखने पर माइनस में आएगा। यक्स की वैल्यू अगर ये माइनस में रख दें, साइन इनवर्स माइनस, आपने ये पढ़ा होगा साइन इनवर्स माइनस यक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस में होती है। इसका मतलब कि अगर यहां यक्स निगेटिव रहा तो ये टोटल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि ये निगेटिव लेने पर ये टोटल निगेटिव आएगा, ये निगेटिव लेने पर ये टोटल निगेटिव आएगा। दो निगेटिव नंबर का सम एक निगेटिव नंबर होता है और ये निगेटिव नंबर आ गया। राइट हैंड साइड प्लस में दिया गया है तो माइनस में आने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से हम निगेटिव को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और हम इसमें सोल्यूशन सिर्फ इसी लेते हैं, इसका मतलब यही मेरा सोल्यूशन होगा। कौन सा? प्लस में जो होगा वही इसका सोल्यूशन माना जाएगा। अंडर रूट 3/28 रॉन्ग। संदीप यादव कैसे? मुझे तो सही लग रहा है भाई, प्लस में ही नंबर होगा सही, इसका माइनस में नहीं होगा। इसके दो सोल्यूशन आएंगे और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/√3/2/7 है ना, बुक में ऐसे भी लिखा होगा 1/2√3/7। अगर आप बुक का आंसर देखेंगे तो बुक का आंसर 1/2√3/7 लिखा होगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये 100% सही है, रॉन्ग नहीं यार संदीप। एक बार फिर से अपना अगर आपको लग रहा है तो एक बार आप मैच करा लो, मेरा 100% सही है, मुझे पता है, मुझे आंसर भी याद रहता है ना, देख लो एक बार अपना मिला लीजिए। संदीप तो मैं आगे बढ़ता हूं, चलो सारी चीजें मैंने आपको इस सोल्यूशन में समझा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं अगले, ऐसे ही और भी बहुत सारे इक्वेशन हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, संदीप ने कुछ जवाब दिया, हाँ सर ठीक ठीक है, मिला लीजिए, आपका सही है, मैच कराना जरूरी होता है। आप देखिए कहीं छोटा मोटा स्टेप कहीं छूट गया होगा, और हम लोग आगे बढ़े। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे मैं बता देता हूँ, अभी 10 मिनट घड़ी है, तब तक मैं हम लोग ये सॉल्व इक्वेशन, ये जो हमारे पास है ना, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स √1 + x² - √1 - x² / ये भी आप क्वेश्चन मिलाइए, अगर बुक सामने लिए हैं तो आप इसका जवाब पा जाएंगे। और मैं यहां लिखता हूं अल्फा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कुछ कुछ बुक में इसका ऐसे भी क्वेश्चन बनाया गया है कि प्रूव दैट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू +√sin(α), ऐसे भी प्रूव किया गया है। और मैंने कल इसका सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया था कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है तो इस सब्स्टिट्यूशन को आप सेकेंड भर में इसका जवाब दे सकते हैं। यहां x की वैल्यू cos में या sin में पुट करेंगे, sin(α), यहां जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वो x² की वैल्यू sin(α) होगी। और आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट x = ±√sin(α) लिख दीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको सब्स्टिट्यूट करने आता है तो जान लीजिए इसका आंसर आपकी चुटकी में है, सेकेंड लगते ही आप इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी कंफ्यूजन है, या मान लेते हैं कि आपको एकेडमिक में यही चीजें, बोर्ड में आपको ये चीजें सॉल्व करके एकदम आपको लंबा करके देना है, तो फिर कैसे देंगे? तो मैं आज लंबा सोल्यूशन आपको बताता हूं। और ये अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करने आया तो आप इसे ट्रिकी सोल्यूशन भी मान सकते हैं। ये इसका ट्रिकी सोल्यूशन हुआ जो आपने सेकंड भर में बता दिया, हमें बताना तो तुम तो एक सेकंड बता देते भाई, एक सेकंड से कम ही बता सकता हूं। लेकिन अगर आपको बताने की जरूरत पड़ गई तो फिर भी आप भी 2-1 सेकंड बता देंगे, आपका भी दिमाग हमसे कम नहीं चला।
लेकिन अगर मेथड से इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो बच्चों आज मैं मेथड आपको दिखाता हूं, इसका मेथड लिख देता हूं, बहुत अच्छे से देखिए मेरे साथ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इसके सोल्यूशन की बात करूंगा तो सोल्यूशन पर आ जाए हम लोग। सबसे पहले क्या गिवेन है, ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, इक्वेशन हमें गिवेन है। चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आज मैं आपको मेथड दिखाता हूं और इसे अपने पास हमेशा के लिए रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको बनानी हो तो आप झटपट लिख सकते हैं। ये तो मैं जानता हूं, वो जो दिया था मैंने वही नोट कर लिया। इस टैन को उठाकर इधर लाओ, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज। अब बच्चों समस्या हमारे पास ये आ जाती है कि हम इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। इस टेन अल्फा को चाहे तो आप साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। जब इसे ब्रेक करने की जरूरत पड़े तो आपको एक चीज पढ़ाया गया, सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो भी आप पढ़े थे, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो में क्या होता था याद है आपको? कितने लोगों को सी एंड डी रूल याद है? सी डी रूल, इसे हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहते थे। याद है तो मुझे आप वहां एक कमेंट से बताइए कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो रूल क्या होता है। अगर आपको पता है तो यस सर बोलिए, बस ज्यादा और कुछ नहीं करना है, मैं तब तक आपका वेट कर रहा हूं। भेजिए, तब तक मैं ही आगे बढ़ाता हूं। अगर रूल आपको पता है ना तो हमें लगता है कि आप क्षण भर में इस क्वेश्चन को लपेट डालेंगे, और देखिए मैं लपेट रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लपेटते हुए नजर आएंगे। बच्चों मैंने यहां रूल तो लिख दिया, अब मैं लिख देता हूं बाई द सी एंड डी रूल या कॉम्पोनेंडो लिखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, डिवाइडेंडो रूल, कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो रूल से आपने इसको लिखा हुआ है। मैं आपको फिर एक बार रूल समझाना चाहता हूं, कोई बात नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। इसमें करते क्या है बच्चों के, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और जो मैंने कंपोनेंट डिवाइडेंडो रूल यहां यूज किया हुआ है वो क्या है, कैसे देखिएगा, वो ऐसे है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा गया इस साइड का, इधर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैं स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। अब रूल में मैंने क्या किया, रूल में हमने ये किया हुआ है, जब रूल अप्लाई करते हैं तो इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमने डेनोमिनेटर वाला काम किया, डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया है और वही काम डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कराया है, इज इक्वल टू जैसा लेफ्ट साइड में करते हैं सेम वैसे ही राइट साइड में कर लिया जाता है। राइट साइड में क्या होगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर आप यहां लिखेंगे क्या, इधर भी डेनोमिनेटर और प्लस न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। राइट हैंड साइड में मैंने स्मॉल स्मॉल लिखा है, लेफ्ट में आपको
कैपिटल कैपिटल लिख कर दिया, यही चीज इतने से इतना लिखना ही आपका कंपोनेंट डिवाइड इनटू रूल कहलाता है। इतने से इतना लिखना ही कंपोनेंट डिवाइड इनटू, इसी के बेस पर मैंने इतने को इतना लिख डाला। अब लिखने के बाद क्या हुआ, इसे साल्व कैसे करेंगे, कुछ कैंसिलेशन है, वो कैंसिलेशन आप देखिए, वो कैंसिलेशन क्या है कि जब ऐड कर रहे हैं तो ये यहां से कैंसिल होगा, और जब ऐड यहां से ऐड कराएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, मैं अगले पेज पर लिखता हूं, मेरे साथ बढ़ते बढ़ते रहिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको अगले पेज पर दिखाऊं। तो बच्चों इसके बाद आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पर 1 माने, आप अपने कॉपी में देखिए, तो ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मिल जाएगा, और ये कट गया, कटा नहीं कट गया, इधर रूट है, हमें क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, और यहां x अभी फंसा हुआ है अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट को भी हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर ली जाए, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, x स्क्वायर बाई 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा तेजी से लिख कर देना चाहता हूं, अभी तो स्क्वायर कर दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा तेज लिखूंगा। जब स्क्वायर करते हैं ना, मैंने इसे तोड़ने बताया था, 1 प्लस साइन 2 अल्फा हो जाएगा, और इसे 1 माइनस साइन 2 अल्फा कह देंगे। फिर क्या करते हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वही काम करेंगे, फिर कंपोनेंट डिवाइड इनटू रूल अप्लाई करेंगे। इसमें आपकी बार दोनों को न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरूरी नहीं होता कि आप माइनस ही लिखो, प्लस भी माइनस भी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, जैसा इधर करते हैं वैसा उधर भी करना पड़ेगा आपको, इसी वजह से हम ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस, नहीं यहां माइनस लिखना होगा, माइनस माइनस लिखिए यहां, और ये 1 माइनस साइन 2 अल्फा, यही इसका मेथड है बच्चों। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो है, पर बिना डरे आप इसे लिखते रहिए, आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यक्ष, देखो 1 से कटेगा, यक्ष स्क्वायर से इधर 1 से कट जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करिए, साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा से मिला क्या, दिस इंप्लाइज ऊपर बनेगा 2x स्क्वायर, यहां नीचे आप लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 2 साइन 2 अल्फा, और इधर लिखेंगे 2, 2 टूज कैंसिल, 2 टूज कैंसिल, इस तरह से यक्ष इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, ये भी इंप्लाई करा लीजिए, स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, और इस तरह से आपने एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट साइन 2 अल्फा। ये आपका सोल्यूशन हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो बच्चों ये इक्वेशन आप इतना ही रहने दीजिए, कल कल नहीं तब तो मैं अगले वीक आपको मिलूंगा, है ना, तब तक आप इसको रिविजन करते रहिए, जो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उन्हें कर डालिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास इतने सारे लिंक हो गए हैं कि आप हमसे जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं गिने चुने, मैं उन्हें आपको नेक्स्ट वीक में मंडे को जब मिलता हूं तो आपसे सारी प्रॉब्लम वहां डिस्कस कर लूंगा, उसे भी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इससे समझिए कि लगभग लगभग फिनिश हो गया है, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं फिनिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और जहाँ रहें आप जैसे रहें सेफ रहें, ठीक है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा बाहर ना निकलें, सबसे दूरी बना कर रखें, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।